सो गाइस, आज मैं आपको मून नाइट की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10K लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें आर्थर हीरो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक साहिबान में रहता था। वो एक कांच के गिलास से पानी पीकर उसे अपने स्टाफ की मदद से तोड़ देता है। फिर वो उन टुकड़ों को अपने जूतों में भरकर पहन लेता है क्योंकि आर्थर इजिप्शियन देवी एमिट को पूजा करता था। इसीलिए उनके प्रति अपने विश्वास को दिखाने के लिए कांच को अपने पैरों में रखकर रक्त बलिदान किया करता है। वही फिर हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसे लगता है कि उसे नींद की बीमारी है क्योंकि जब भी उसकी आँख खुलती थी तो अजीबोगरीब जगह पर होता था। इसीलिए अपने पैरों में पट्टा बांधकर सोता है और चारों तरफ रेत बिछा दिया करता था। यहाँ तक कि अपने गेट पर भी टेप लगाया करता है ताकि उसे पता चल सके कि वो नींद में कहीं बाहर नहीं गया है। स्टीवन का कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ उसके पास एक गोल्ड फिश होती है जिसे उसने हाल ही में खरीदा था, इसीलिए उसका एक ही पर था। स्टीवन अपनी माँ से बात करता है और उन्हें अपने हालचाल बताता है कि हर दिन सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने कोड़ दिया हो। फिर अपने काम पर निकल जाता है क्योंकि वो ब्रिटिश म्यूजियम के गिफ्ट शॉप में काम किया करता था। वो जब म्यूजियम पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की गीजा के पिरामिड के मॉडल में कचरा डाल रही है, तो उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे एक इजिप्शियन ताबूत दिखाकर बताता है कि पुराने मिस्र के लोग एक हुक को नाक में घुसेड़कर सारे ऑर्गन बाहर निकाल लिया करते थे, सिर्फ वो दिल को ही बॉडी में छोड़ते थे क्योंकि वो मानते थे कि परलोक में इंसाफ साफ दिल देखकर ही किया जाएगा और सिर्फ अच्छे कर्म वाले ही मरने के बाद सुकून के मैदान में जा पाएंगे। तो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा जब उन्होंने तुम्हें मैदान में घुसने नहीं दिया। तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम्हें क्या कह रही हो, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तभी उसकी बॉस डोना आ जाती है जो उस पर गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम कोई टूर गाइड नहीं हो, फिर भी तुम वो बनने की कोशिश क्यों करते हो और तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों को टॉफियां बेचना है। तो स्टीवन उन्हें सॉरी कहता है जिससे वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास डायलर नाम की लड़की आती है जो वही नेशनल आर्ट गैलरी में काम किया करती थी। वो स्टीव को अपनी डेट के बारे में याद दिलाती है कि हमें कल शाम 7 बजे डिनर करने जाना है, लेकिन स्टीवन को कुछ याद नहीं होता, मगर वो खुश होता है कि उसके साथ डेट पर जाने वाला है। फिर शाम को जब वो डोना की मदद कर रहा था तब वो डोना को बताता है कि जब मैं आज सुबह म्यूजियम आया था तो मैंने बाहर इजिप्शियन देवताओं के सुपर क्लब एनियार्ड के पोस्टर लगे हुए देखे थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती है क्योंकि एनियार्ड में 9 देवता होते हैं और इसमें सिर्फ 7 ही दिखाए गए हैं। स्टीवन ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो गिफ्ट शॉप में काम करके बोर हो चुका था और उसे टूर गाइड की नौकरी चाहिए थी क्योंकि उसे इजिप्शियन गॉड की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होता है। लेकिन डोना उसकी बात नहीं सुनती और उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे टूर गाइड की नौकरी नहीं देना चाहती थी। फिर स्टीवन वहाँ से वापस घर की तरफ लौट जाता है और रास्ते में स्ट्रीट परफॉर्मर के पास बैठा होता है और उसे अपनी वियर्ड लाइफ के बारे में बताता है कि मैं रात को अचानक नींद में चलने लग जाता हूँ और सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अजीब अजीब जगहों पर होता हूँ, इसीलिए मैं रात भर जागने की कोशिश करता हूँ। फिर उसे कुछ पैसे देकर घर लौट जाता है जहाँ वो सोने से पहले हमेशा की तरह रेत बिछा देता है और गेट पर टेप लगाकर पट्टा बांधकर सो जाता है। लेकिन वो कोशिश करता है कि उसे नींद ना आए, इसीलिए वो जागते रहो नाम के एक प्रोग्राम को सुनता है जिसके अनुसार वो पजल सॉल्व करता है और इजिप्शियन किताबें पढ़ने लगता है। लेकिन फिर भी थकावट की वजह से उसकी आँख लग जाती है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो किसी गाँव टाइप की जगह पर होता है और उसका जबड़ा टूटा हुआ था। स्टीव को समझ नहीं आता, तभी उसे अपने अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो आवाज उसे उसकी बॉडी को मार्क के हवाले करने को कहती है। इसका मतलब ये था कि स्टीवन के अंदर मार्क स्पेक्टर नाम की एक और शख्सियत मौजूद थी, लेकिन स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता और जब वो अपने जेब में हाथ डालता है तो उसमें एक गोल्ड स्क्राब होता है। तभी हमें यहाँ पीछे इजिप्शियन गॉड खोंशु दिखाई देते हैं जो चंद्रमा और प्रतिशोध के गॉड होते हैं। इसका मतलब ये था कि स्टीवन को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो खोंशु की ही थी। लेकिन जैसे ही स्टीवन पीछे मुड़ता है तो वहाँ एक बिल्डिंग होती है जिसमें से 2 लोग उस पर फायर करने लग जाते हैं। ये देखकर स्टीवन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि स्टीवन ने उनका स्क्राब चुरा लिया था। स्टीवन गाँव में पहुँच जाता है लेकिन वहाँ हर तरफ बंदूकों से लैस लोग
मौजूद होते हैं जो उसे ढूंढ रहे थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए खुद को लोगों में छिपा लेता है। जहां हमें पता चलता है कि वो सभी लोग आर्थर हीरो से मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे। आर्थर हीरो वही शख्स होता है जिसे हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। आर्थर इजिप्शियन गॉड एमिट को समर्पित पंथ के लीडर होते हैं जिनके पास एमिट की शक्ति का अंश था। आर्थर सभियों कहते हैं कि यह जगत स्वर्ग जैसी है, पर हकीकत में यह स्वर्ग नहीं है क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी बुराई छिपी हुई है और हम सभी लोग धरती को स्वर्ग बनाने आए हैं। फिर एक आदमी भीड़ से निकलकर अपनी आत्मा की परख करवाने के लिए आगे आता है तो आर्थर उसके हाथ में अपना स्टाफ रखता है और एमिट की पावर से उसे परखने लग जाता है, जिससे उसके हाथ में बना तराजू का टैटू मूवमेंट करने लगता है। वो टैटू असल में आत्मा की पहचान करने वाले व्यक्ति की नैतिकता के आधार पर रंग बदलता था, जिससे अगर टैटू हरा हो जाता है तो उस इंसान को अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर टैटू लाल हो जाता है तो उस इंसान को बुरा माना जाता है। और आर्थर उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है जिससे उसकी डेथ हो जाती थी, मगर आर्थर ने जिस आदमी का टेस्ट किया था उसका दिल साफ होता है, इसीलिए वो टैटू हरा हो जाता है, जिससे आर्थर बहुत खुश होता है और उस आदमी को हक कर लेता है। स्टीवन भी भीड़ में छिपा ये सब देख रहा था क्योंकि वो आदमी अभी भी उसके पीछे थे। फिर आर्थर के पास एक ओल्ड लेडी आती है और जब वो उसका टेस्ट करते हैं तो टैटू लाल हो जाता है, तो ओल्ड लेडी काफी घबरा जाती है और उन्हें कहती है कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो आर्थर उसे कहता है कि मुझे विश्वास है, लेकिन तराजू सब कुछ देखता है और आगे चलकर कुछ बुरा होने वाला होगा। तभी उस ओल्ड लेडी को कुछ होने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर आर्थर का गार्ड उसके पास आता है और उसे बताता है कि हम पर हमला हुआ है, जिससे उस आदमी ने गोल्डन स्क्रैप चुरा लिया है और उसने हमारे दो लोगों को मार दिया और वो अब भी यहीं है। ये सुनकर आर्थर एशियन लैंग्वेज में सभी को नीचे झुकने को कहते हैं, लेकिन स्टीवन सबसे बाद में झुकता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि स्टीवन ने ही वो स्क्रैप चुराया है। इसीलिए उसे कहते हैं कि तुम आतंकी हो, तो स्टीवन को कुछ पता नहीं होता, इसीलिए उन्हें कहता है कि मैं म्यूजियम में गिफ्ट शॉप में काम करता हूँ और मैं लंदन वापस जाना चाहता हूँ। तो आर्थर उसे कहते हैं कि मुझे स्क्रैप लौटा दो। स्टीवन उन्हें वो स्क्रैप लौटाने लगता है, लेकिन उसे जो आवाज सुनाई दे रही थी वो उसे ऐसा करने नहीं देती और वो खुद ब खुद वहाँ से भागने लग जाता है, जिससे आर्थर के आदमी उसे पकड़कर स्क्रैप छीन लेते हैं। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट होने लगती है और स्टीवन देखता है कि आर्थर के सभी लोग मर गए हैं और स्क्रैप उसके हाथों में था। इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त मार्क स्पेक्टर ने उसकी बॉडी पर काबू कर लिया था। ये देखकर आर्थर और बाकी सभी उसे पकड़ने आने लगते हैं। तभी उसे खोंशू की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि अगर स्क्रैप को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिससे स्टीवन उस स्क्रैप को बचाने के लिए एक कपकेक वैन लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आर्थर के लोग उसका पीछा करते हैं और उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर स्टीवन में मौजूद मार्क नाम की शख्सियत सभी को खत्म कर देती है। तभी स्टीवन की आँख खुल जाती है और वो बहुत खुश होता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी फिश के दो पर आ गए हैं, इसीलिए उसे वापस शॉप में लेकर जाता है और शॉप रेडियो कहता है कि कल तक इसका एक ही पर था। तो स्टीवन को कहती है कि मैंने तुम्हें कल कहा था कि सभी फिश के दो ही पर होते हैं, लेकिन स्टीवन हैरान होता है क्योंकि वो कल यहाँ नहीं आया था। तभी वो घड़ी में देखता है कि 5 बज गए हैं, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे आज डायलन के साथ डेट पर जाना था। इसीलिए वो तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुँच जाता है जहाँ वो काफी देर तक डायलन का इंतजार करता है, लेकिन वहाँ नहीं आती, इसीलिए उसे फोन लगाता है तो डायलन उस पर गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें फ्राइडे को डेट पर आने को कहा था और अब तुम 2 दिन बाद मुझे कॉल कर रहे हो। इससे स्टीवन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि आज संडे था और उसे अपने पिछले 2 दिन के बारे में कुछ याद नहीं होता। इसका मतलब ये था कि उसने सपने में जो कुछ भी देखा था वो हकीकत थी। डायलर की वजह से उदास हुआ स्टीवन घर लौट जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम को इस बारे में नहीं बताता और उनसे झूठ कहता है कि उसकी डेट बहुत अच्छी रही। स्टीवन काफी परेशान होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फर्श पर टेबल के खिसकाने के निशान बने हुए हैं, जहाँ वो देखता है कि ऊपर एक हिडन एरिया में एक मोबाइल और की रखी हुई है। वो जब उस मोबाइल को ऑन करता है तो उसमें लायला नाम की किसी लड़की के कई सारे मिस्ड कॉल थे। तभी लायला का कॉल आता है तो स्टीवन उस कॉल को पिक कर लेता है। लायला उसे कहती है कि शुक्र है कि मार्क तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें कई महीनों से कॉल और मैसेजेस कर रही हूँ और मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। स्टीवन उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे मार्क क्यों कहा, लेकिन वो कॉल कट कर देती है। स्टीवन बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे खोंशो की जो आज सुनाई दे रही थी उसने भी उसे मार्क की शख्सियत के बारे में कहा था। वो लायला को फिर से कॉल लगाता है, लेकिन तभी उसे मार्क की आवाज सुनाई देने लगती है।
लेकिन उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मगर उसे शीशे में खुद की एक अलग ही शख्सियत नजर आती है। स्टीवन परेशान होता है, तभी वहाँ लाइट ब्लिंक करने लगती है और सभी चीजें नीचे गिरने लग जाती है। इसीलिए स्टीवन वहाँ से लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसे इजिप्शियन गॉड खोंशु नजर आते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अचानक बस में पहुंच जाता है। सभी उसकी वियर्ड हरकतें देख उसे पागल समझते हैं, लेकिन स्टीव को खोंशु दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक वो कहीं गायब हो जाते हैं। फिर स्टीवन जब स्टॉप पर उतरता है तो उसे बस में आर्थर हेरो भी दिखाई देता है, जिससे वो और ज्यादा डर जाता है। और वो म्यूजियम आकर सिक्योरिटी ऑफिसर जेबीओ कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए तुम किसी को अंदर आने मत देना। लेकिन जेबीओ से कहता है कि ये म्यूजियम है, इसीलिए मैं किसी को नहीं रोक सकता। फिर स्टीवन जब अंदर आता है तो वो देखता है कि आर्थर भी वहाँ आ गया था। आर्थर उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुमने झूठ कहा कि तुम यहाँ काम करते हो। स्टीवन उससे काफी डर जाता है, क्योंकि उसने वहाँ एक ओल्ड लेडी को जान से मार दिया था। इसीलिए वो सभी को वहाँ उसे आर्थर से बचाने को कहता है, लेकिन सभी के हाथ में एमिट के निशान थे। इसका मतलब ये था कि वो भी एमिट को मानते थे। आर्थर उसे कहता है कि वो स्क्रैप मेरा नहीं है, वो एमिट का है, इसीलिए वो मुझे दे दो। और वो उसे एमिट के बारे में बताते हैं कि वो एक इजिप्शियन देवी है और ये पापियों की पहली यमराज थी, जो हमारे उम्र भर के कर्म देखकर हमारा इंसाफ करती है और उन्हें सब कुछ पता है जो हमने किया है और हम करने वाले हैं। स्टीवन काफी डर जाता है, लेकिन कोई उसे वहाँ से जाने नहीं देता। आर्थर स्टीवन को कहता है कि अगर आज एमिट आजाद होती तो हिटलर ने जो जुर्म किए वो कभी नहीं कर पाता और न ही कोई आतंकवादी पैदा होता, जिससे बुराई पूरी तरह खत्म हो जाती, लेकिन उन्हें उनके साथी देवताओं ने धोखा दिया। तो स्टीवन उनसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आर्थर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई आवाज तुम्हें परेशान कर रही है। फिर वो एमिट के जादू की मदद से वो स्टीवन की नैतिकता को चेक करने लगता है, लेकिन उसका टैटू अपना रंग नहीं बदलता। इसका मतलब ये होता है कि स्टीवन का फ्यूचर डिसाइड नहीं था। और आर्थर उसे कहते हैं कि तुम में एक अनिश है। स्टीवन वहाँ से चला जाता है और आर्थर भी उसे वहाँ से जाने देता है। रात को स्टीवन म्यूजियम में काम कर रहा होता है, क्योंकि वो कुछ दिनों से म्यूजियम लेट आता था, इसीलिए डोना ने उसे ओवर टाइम काम करने की सजा दी थी। तभी म्यूजियम की लाइट बंद हो जाती है और वो घर जाने लगता है। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए वो अंदर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अंदर कोई डॉग घुस आया है। लेकिन वहाँ एक क्रिएचर होता है जो उसका शिकार करने आया था। ये देखकर स्टीवन काफी डर जाता है। तभी उसे आर्थर की आवाज सुनाई देने लगती है, जो स्टीवन से कहता है कि मुझे स्क्रैप दे दो और उसके बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो क्रिएचर स्टीवन के पीछे पड़ जाता है और स्टीवन उसे बसता हुआ भागने लगता है और वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है। स्टीवन को वहाँ मार की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम इस बार मेरे खिलाफ मत जाना और इसके लिए तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा। लेकिन स्टीवन उसे मना कर देता है। तो मार्क उसे कहता है कि वो क्रिएचर गेट तोड़ने वाला है, इसीलिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो स्टीवन काफी डर जाता है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, इसीलिए वो खुद को चाटे मारने लगता है, लेकिन ये सब असली था। मार्क उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे हमें बचाने दो। तो स्टीवन मान जाता है। तभी स्टीवन को कुछ होने लगता है और वो क्रिएचर भी अंदर आ जाता है, लेकिन लड़ाई में स्टीवन मार्क की वजह से मून नाइट में बदल जाता है। और यहाँ फाइनली हम मून नाइट को देख पाते हैं, जो उस क्रिएचर को बेरहमी से मारकर खत्म कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन जब स्टीवन की आँख खुलती है तो बहुत डरा हुआ होता है। उसे लगता है कि म्यूजियम में जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था, इसीलिए वो रिफ्लेक्शन में मार्क को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसके सामने नहीं आता। फिर वो तैयार होकर म्यूजियम जाता है, जहाँ वो देखता है कि मार्क ने रात को जो तोड़फोड़ की थी उसकी सफाई का काम चल रहा है। जेबी रात की सीसीटीवी फुटेज देखने जाता है तो स्टीवन उसे बताता है कि तुम जो कुछ भी देखने वाले हो वो बहुत भयानक होने वाला है, इसीलिए तुम उसे देखकर डर मत जाना, बस ये सोचना कि ये कोई हॉरर फिल्म है। फिर जेबी जब रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसमें कोई जेकल नहीं होता, सिर्फ उसमें स्टीवन नजर आ रहा था, जिससे उसे लगता है कि स्टीवन ने सारी तोड़फोड़ की है। स्टीवन उसे बताता है कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा इजिप्शियन जेकल पड़ा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और सभी को लगता है कि स्टीवन पागल हो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से स्टीवन का बर्ताव बदल गया था, जिससे उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। स्टीवन काफी उदास होता है और वो स्ट्रीट परफॉर्मर के पास बैठा उसे सब कुछ बताता है कि मुझे मेरे फ्लैट में कुछ अजीब चीजें मिली है। इससे स्टीवन को आइडिया आता है कि उसे जो चाबी मिली थी वो उसे लॉकर को ढूंढ सकता है, इसीलिए उस चाबी पर बने लोगों की लॉकर कंपनी में
पहुंचता है, जहां स्टीवन गार्ड से कहता है कि मैं मेरा स्टोरेज लॉकर ढूंढ रहा हूं, जो कि स्टीवन ग्रांट या फिर मार्क के नाम पर होगा। तो गार्ड उसे पहचान लेता है क्योंकि मार्क हमेशा वहां आया करता था। गार्ड स्टीवन को उसके लॉकर के पास लेकर जाता है। स्टीवन जब अंदर जाता है तो उसे एक बैग मिलता है जिसमें गन, कुछ पैसे और मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट होता है, क्योंकि मार्क एक सीरियल किलर था। बैग में स्केरब भी होता है जिसे वो एक्टिवेट कर देता है, जो इजिप्शियन देवी एमिट के ठिकाने की तरफ मुंह करने लगता है। तभी उसे रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो स्टीवन उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम अपना जिस्म मुझे सौंप दो क्योंकि मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा क्योंकि तुम लोगों को मारते हो, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो मार्क उसे बताता है कि मैं चांद के इजिप्शियन देवता खोंशु का अवतार हूँ, और एक तरीके से तुम भी खोंशु के अवतार हो, और हम मिलकर मासूमों को बचाते हैं, जुर्म करने वालों पर खोंशु का कहर बरसाते हैं। स्टीवन इससे काफी डर जाता है। तो मार्क उसे बताता है कि मैंने खोंशु से एक सौदा किया था कि तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे, इसीलिए तुम मुझे अपना जिस्म सौंप दो ताकि मैं अपना काम खत्म कर सकूं, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। तो स्टीवन कहता है कि मैं इस बैग को पुलिस को दे दूंगा ताकि तुम किसी और को ना मार सको। फिर वो बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे खोंशु दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि इस बैग को वापस रख दो, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से डरता हुआ बाहर आ जाता है, जहाँ उसे लायला देख लेती है। स्टीवन उसकी आवाज से समझ जाता है कि वो लायला है। वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मार्क है, लेकिन स्टीवन अजीब अजीब बातें करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं मार्क नहीं हूँ, लेकिन लायला उसकी बात नहीं सुनती। वो सोचती है कि लोगों से बचने के लिए वो ऐसी बातें कर रहा है, इसीलिए उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टीवन काफी हैरान होता है और उसे सब समझाने के लिए अपने घर चलने को कहता है। वो जब स्टीवन के फ्लैट में पहुँचते हैं तो वहाँ लायला देखती है कि स्टीवन के घर पर फ्रेंच और हायरोग्लिफिक किताबों का कलेक्शन मौजूद है। वो एक फ्रेंच किताब को पढ़ती है जो उन दोनों की फेवरेट होती है। फिर उसे डिवोर्स पेपर देती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे डिवोर्स पेपर भेजे थे लेकिन इन पर साइन नहीं किया। तो स्टीवन उन पेपर पर साइन करने से मना कर देता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि मार्क उसके लिए सही नहीं है, और उसे स्क्रब दिखाने लगता है। लेकिन तभी उसे मार्क नजर आता है, जो उसे कहता है कि उसे स्क्रब मत दिखाना वरना आर्थर उसके पीछे पड़ जाएगा, जिससे लायला की जान जा सकती है। ये सुनकर स्टीवन उससे स्क्रब छिपाने लगता है, लेकिन लायला उसे धक्का देकर वो स्क्रब देख लेती है और उसे कहती है कि एमिट का ठिकाना दिखाने वाला स्क्रब है जिसके लिए हम साथ मिलकर लड़े थे, और उसे लगता है कि मार्क स्टीवन बनने का नाटक कर रहा है ताकि उसे स्क्रब के बारे में पता न चले। तो स्टीवन उसे कहता है कि मुझे स्क्रब नहीं चाहिए क्योंकि मैं मार्क नहीं हूँ, मैं स्टीवन ग्रांट हूँ जो पहले गिफ्ट शॉप में काम करता था, और मेरी जान खतरे में है, और शायद सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तो लायला उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है कि हम इसे क्यों ढूंढ रहे थे। तो स्टीवन उसे कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। स्टीवन लायला को कहता है कि वो मुझे पकड़ने आए हैं क्योंकि मैंने टॉयलेट में तोड़फोड़ की थी। वो जब गेट खोलता है तो पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाते हैं, जो उसके घर में छानबीन करने लगते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ आर्थर ने स्क्रब लेने भेजा था। लेकिन लायला स्क्रब लेकर खिड़की से बाहर चली जाती है जिससे उसे नहीं ढूंढ पाते। स्टीवन उन्हें बताता है कि मेरी म्यूजियम वालों से बात हो गई है, वो मुझ पर केस नहीं करेंगे, बस मुझे किश्तों में तोड़फोड़ के पैसे चुकाने होंगे। तो ऑफिसर उसे बताता है कि तुम पर चोरी का सामान रखने का इल्जाम है। तभी उन्हें वहाँ जिम बैग में माँ का पासवर्ड मिलता है जिससे उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो जब मार्क के बारे में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मार्क एक खूंखार मुजरिम है जो आतंकी गिरोह में था, जिसने इजिप्ट की रिसर्च साइट पर हमला करके आर्कियोलॉजिस्ट को जल्लादों की तरह मार दिया था। स्टीवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो मैं नहीं था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते और उसे आर्थर के साहिबान में लेकर जाते हैं। स्टीवन इससे काफी डर जाता है। वो बाहर एक लड़की से मदद मांगने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ पर भी एमिट का निशान है। तभी उसे रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि मुझसे भागने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को मुझे सौंप दो। तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखा कि तुमने उन मासूमों को किस तरह मारा था। तभी वहाँ आर्थर आ जाता है, जो स्टीवन को बाहर निकाल कर उसकी हथकड़ी खोल देता है, और ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। आर्थर स्टीवन से कहता है कि मैं तुम्हारा भाग्य नहीं देख सका क्योंकि तुम खोंशु के अवतार हो और तुम्हें मार्क और खोंशु की अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मेरे पास इसका इलाज है। तभी स्टीवन को खोंशु दिखाई देता है, जो उसे आर्थर को मारने को कहता है,
लेकिन आर्थर उसे कहता है कि तुम्हें उसकी हर एक बात मानने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर उसे बताता है कि पहले इस इलाके में बहुत से जुर्म हुआ करते थे जिससे यहाँ के लोग बहुत दुखी थे, लेकिन अब ये सब एमिट की वजह से सुरक्षित है और रात को दरवाजा खुला छोड़कर सोते हैं। फिर उसे साहिबान के अंदर लेकर जाता है। कोंशु को गुस्सा आता है क्योंकि स्टीवन उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए वहाँ कुछ चीजें गिराने लगता है। तो आर्थर उसे कहता है कि डरो मत, वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी देवताओं में भी कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए उसे बेदखल कर दिया गया था। तो कोंशु स्टीवन को कहता है कि मैं सिर्फ उन्हें ही सजा देता हूँ जो गुनाह कर चुके हैं, इसीलिए मैं सही इंसाफ हूँ। आर्थर स्टीवन को कहता है कि तुम्हारे पहले मैं कोंशु का अवतार था, इसीलिए मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, और कोंशु सिर्फ उन्हीं को सजा देता है जो गलत राह पर चल चुके हैं। लेकिन इससे काफी देर हो जाती है क्योंकि जब तक इंतकाम का मसीहा वहाँ पहुँचता है तो जुर्म हो चुका होता है, इसीलिए एमिट असली मसीहा है क्योंकि वो जुर्म करने वालों को पहले ही परख लेती है और उन्हें जान से मार देती है, इसीलिए हमें एमिट को आजाद करना होगा। तो स्टीवन उसे कहता है कि मगरमच्छ जैसी दिखने वाली देवी पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो आर्थर उसे कहता है कि उनकी परख पर शक मत करो क्योंकि एमिट दुनिया में सभी बुरे लोगों को मिटाकर अच्छाई कायम करेगी, जिसके लिए हमें वो स्केरब चाहिए क्योंकि वो स्केरब एक तरह कंपास की तरह काम करता है जो हमें एमिट के मकबरे तक ले जाएगा और मैं उन्हें आजाद कर दूंगा जिससे वो दुनिया से सभी बुरे लोगों का नाश करके दुनिया को स्वर्ग बना देगी, इसीलिए तुम मुझे स्केरब दे दो। तो स्टीवन उसे कहता है कि मेरे पास स्केरब नहीं है। तो आर्थर उसे कहता है कि तुम ये तो जानते होंगे कि वो किसके पास है। तभी स्टीवन को रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है जो स्टीवन को कहता है कि लायला का नाम मत लेना और मुझे अपना जिस्म दे दो। आर्थर समझ जाता है कि स्टीवन मार्क से बात कर रहा है, इसीलिए वो मार्क को कहता है कि तुम्हें कोंशु ने क्या कहा था कि ये तुम्हारा आखिरी मिशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पहले उसका अवतार रह चुका हूँ और मुझे पता है कि वो कितना बड़ा झूठा है। तो स्टीवन आर्थर को कहता है कि अगर एमिट किसी इंसान के बुरे बनने से पहले ही उसे परख लेती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक निर्दोष इंसान को परख रही है, क्योंकि सोचने से इंसान बुरा नहीं बनता। जैसे मैं हर रोज सोचता हूँ कि मैं अपने बॉस को मार दूंगा लेकिन मैं उसे असल में नहीं मारूंगा, और अगर एक बच्चा 30 साल की उम्र में जुर्म करने वाला है तो एमिट उसे आज ही मार देगी। और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मासूम लोगों को मारना एक जुर्म है और क्या यहाँ किसी को इस बात से एतराज नहीं है, लेकिन वो सभी आर्थर के साथ है। आर्थर उसे अपना स्टाफ दिखाता है और उसे बताता है कि ये मुझे एमिट का दिया हुआ एक तोहफा है और इसमें उनकी शक्ति का छोटा सा अंश बसा हुआ है, इसीलिए तुम मुझे स्क्रब दे दो क्योंकि मैं तुम पर उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन स्टीवन उसे नहीं बताता, जिससे आर्थर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ लायला आ जाती है और वो आर्थर को बताती है कि स्केरम मेरे पास है। आर्थर उसे कहता है कि स्केरम मुझे दे दो, वो बहुत अनमोल है। लेकिन लायला स्टीवन के पास जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मार्क है, इसीलिए उसे अपना सूट पहनने को कहती है और उसे स्केरम दे देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते है। आर्थर इसे गुस्सा होकर एमिट के स्टाफ से एक जेकल बाहर निकाल लेता है। स्टीवन और लायला एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। लायला स्टीवन को कहती है कि तुम मार्क हो और तुम्हारे पास सूट है और मैंने तुम्हें वो इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो स्टीवन उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। रिफ्लेक्शन में मार्क भी उसे कहता है कि मुझे बाहर आने दो। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता, वो काफी परेशान हो जाता है। वो लायला से कहता है कि मैं उनसे नहीं लड़ सकता। तो लायला उसे कहती है कि हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। तभी वहाँ जेकल आ जाता है लेकिन लायला को दिखाई नहीं देता और वो जेकल स्टीवन पर अटैक करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तभी स्टीवन सूट सूट चिल्लाने लगता है जिससे वो मिस्टर नाइट के सूट में आ जाता है, जो कि स्टीवन को कोंशु का दिया हुआ एक सूट था जिसमें स्टीवन के हथियार के रूप में ट्रंचियों थे। लेकिन स्टीवन को समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। मार्क उसे कहता है कि तुमने ये क्या पहन लिया है। तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तभी उस पर जेकल अटैक कर देता है जो स्टीवन को मारने लगता है। लायला भी नीचे आ जाती है लेकिन उसे जेकल दिखाई नहीं देता। जेकल स्टीवन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। ये देखकर लायला उसकी मदद करने के लिए अंदाजे से जेकल पर अटैक करती है, जिससे जेकल उस पर भी अटैक करने लगता है। स्टीवन जेकल से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं जीत पा रहा था। मार्क उसे कहता है कि जिस्म मुझे सौंप दो, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और वो फुल जोश में जेकल को पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है लेकिन तभी जेकल उस पर अटैक करके उसे बीच रास्ते में फेंक देता है और स्टीवन को मारने लगता है। वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को जेकल दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए सभी को लगता है कि स्टीवन एक पागल है। तभी वो एक कार से टकरा जाते हैं जिससे जेकल
निकल और स्टीवन दूर गिर जाते हैं। मार्क स्टीवन को कहता है कि अपना जिस्म मुझे सौंप दो वरना वो जेकल लायला को मार देगा। तो स्टीवन उसकी बात मान लेता है और उसे अपना जिस्म दे देता है, जिससे मार्क मून नाइट के सूट में आ जाता है और अपने हथियार की सेंडार निकाल लेता है। लायला उसे कहती है कि जेकल को यहाँ से दूर ले जाओ, तो मार्क वहाँ से भागने लगता है जिससे वो जेकल उसका पीछा करता है और मार्क उसे पकड़कर एक शिखर में घोंप देता है जिससे वो जेकल नष्ट हो जाता है और वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन मार्क देखता है कि उसकी जेब में स्केरम नहीं है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। वही हमें उस स्केरम को दिखाया जाता है जो एक भिखारी को मिल जाता है। लेकिन तभी आर्थर वहाँ जाता है जो उस स्केरम को लेकर उस भिखारी को जान से मार देता है। लायला भी ये देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वही मार्क काफी दुखी होता है। स्टीवन उसे कहता है कि मुझे रिफ्लेक्शन में बहुत बुरा लग रहा है और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपना जिस्म दे दो। तो मार्क उसे कहता है कि तुमने हमेशा मुझे हावी होने से रोका है, इसीलिए मैं तुम्हें जिस्म नहीं दूंगा और तुम बिना मेरी इजाजत के जिस्म नहीं ले सकते। तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। तो मार्क उसे कहता है कि जब काम पूरा हो जाएगा, जब मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा और तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो जाऊंगा, और आज खौशु की बदौलत ही हम जिंदा है, मगर इसके लिए मुझे उनका हर एक हुक्म मानना पड़ता है। तो स्टीवन उसे कहता है कि खून तुम करते हो और इल्जाम मुझ पर आता है और तुम लायला को भी धोखा दे रहे हो, इसीलिए तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तो मार्क उसे कहता है कि मैं लायला को बचा रहा हूँ क्योंकि खौशु की उस पर नजर है और उसे अपना अवतार बनाना चाहता है, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम झूठे हो, और वो मार्क की बात नहीं सुनता, जिससे मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्लास को तोड़ देता है। तभी वहाँ खौशु आ जाता है जो मार्क को कहता है कि तुमने जुबान दी थी कि स्टीवन दखल नहीं देगा। तो मार्क उसे कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा। तो खौशु उसे कहता है कि मैंने देखा कि तुम ऐसा नहीं कर पाए और हमारा सौदा हुआ था, और तुम सौदे को बदल नहीं सकते क्योंकि जब मैंने तुम्हें बचाया था तो तुम एक जिंदा लाश थे, इसीलिए तुम्हारा जिस्म मेरी जागीर है। तो मार्क उसे कहता है कि हम स्केरब ढूंढ लेंगे। तो खौशु उसे कहता है कि आर्थर स्केरब ले गया है, जिस पर मार्क कहता है कि हम उसे दूसरे तरीके से रोकेंगे और एमिट तक उससे पहले पहुंचेंगे, और मैं कुछ भी करके ये मिशन पूरा करके रहूंगा, फिर तुम मुझे आजाद कर देना। तो खौशु उसे कहता है कि तुम्हें काम करने में मजा आता है और हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, और अगर तुम्हें इससे एतराज है तो मेरा अगला अवतार तुम्हारी पत्नी होगी और इस बात से तुम्हें एतराज होगा, और इजिप्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्क होटल में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है, और जब वो खिड़की खोलता है तो हमें पता चलता है कि वो कायरो आ गया था। वहीं फिर हमें लायला को दिखाया जाता है जो इजिप्ट जाने के लिए अपनी फ्रेंड लेग्रो से जाली पासवर्ड बनवा रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि मार्क हीरो को रोकने के लिए इजिप्ट के कायरो शहर में गया है। लेग्रो से कहती है कि 10 साल पहले तुमने जो प्राचीन चीजें चुराई थी, क्या तुम्हें उसका कोई डर नहीं है? तो लायला उन्हें कहती है कि मैं चोरी नहीं करती, बस मैं पहले से चुराई हुई चीजों को उनके असली हकदार तक पहुंचा देती हूं, और उसके बदले में जो कुछ भी मिलता है उससे गुजारा हो जाता है। तो लेग्रो से कहती है कि तुम्हारी जिन जगहों से यादें जुड़ी हुई है उन जगहों पर मत जाना, क्योंकि इससे तुम्हारे पिता की मौत के जख्म हरे हो जाएंगे। तो लायला उनकी बात समझ जाती है और पासपोर्ट लेकर वहाँ से निकल जाती है। वही हमें रेगिस्तान में आर्थर हीरो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो इस स्केरब की मदद से एमिट के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे, और फाइनली उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ एमिट का मकबरा मौजूद था, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं और उस जगह पर खुदाई करने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर आर्थर को बताती है कि मार्क इंस्पेक्टर कायरो आ गया है क्योंकि वो हमें ढूंढ रहा है। तो आर्थर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, मगर हमें एमिट को आजाद करने से कोई नहीं रोक सकता। वही हमें मार्क को दिखाया जाता है क्योंकि पिछले एपिसोड में मार्क ने स्टीवन को वापस जिस्म नहीं सौंपा था। मार्क एक आदमी के पीछे होता है ताकि वो जान सके कि एमिट का ठिकाना कहाँ है, लेकिन आर्थर के लोग उस आदमी को जान से मार देते हैं। वो मार्क को कहते हैं कि तुम हीरो तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, और वो तीनों मार्क पर हमला करने लगते हैं, जिससे मार्क और उन तीनों गुंडों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। मार्क एक गुंडे को मारने लगता है, लेकिन तभी रिफ्लेक्शन में उसे स्टीवन दिखाई देता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी ब्लैकआउट होने की वजह से वो अचानक टैक्सी में आ जाता है। मार्क को कुछ समझ नहीं आता, तभी उसे बाहर आर्थर के गुंडे दिखाई देते हैं, इसीलिए उनका पीछा करने लग जाता है। वो एक गुंडे को पकड़ लेता है, मगर तभी उसे फिर से स्टीवन दिखाई देता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है, और गुंडे मौका पाकर उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। मगर तभी फिर से ब्लैकआउट होता है, जिससे वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहां मार्क ने उन तीन में से दो गुंडों को मार दिया था।
मार्को को समझ नहीं आता कि उन्हें किसने मारा है और उसे लगता है कि स्टीवन ने उससे करवाया है। मार्को उन तीन गुंडों में से एक से पूछने लगता है कि एमिट का ठिकाना कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी उसे खोंशु की आवाज आती है जो उसे कहता है कि उसे किनारे पर लेकर जाओ। तो मार्को उसे कहता है कि एक बच्चा है, जिस पर खोंशु कहता है कि उसे डराओ जिससे वो बता दे कि आर्थर का ठिकाना कहाँ है। तो मार्क उसकी बात मानकर उसे क्लिप से नीचे लटका देता है और उससे पूछने लगता है कि आर्थर कहाँ है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता और एमिट का नाम लेकर स्कार्फ काट देता है जिससे उसकी नीचे गिरने की वजह से डेथ हो जाती है। मार्क ये देखकर काफी परेशान हो जाता है तो खोंशु से कहता है कि मुझे लगा था कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मार्क स्टीवन से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने उन गुंडों को क्यों मारा। तो स्टीवन उसे कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, मारने का शौक तो तुम्हें है। तो मार्क उसे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, जिस पर स्टीवन कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि और लाशें ना बिछे तो खोंशु की बात मानना छोड़ दो, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि आइंदा से मेरे काम में टांग मत अड़ाना। मार्क खोंशु से कहता है कि इन आदमियों के जरिए तो हमें आर्थर का कुछ पता नहीं चला, मगर हमें उसे ढूंढने का कोई और तरीका निकालना होगा। लेकिन खोंशु कुछ नहीं कहता। तो मार्क उसे कहता है कि क्या हम बाकी देवताओं की मदद नहीं ले सकते, और क्या वो यूं ही किसी को भी एमिट को आजाद करने देंगे। तो खोंशु से कहता कि मैं देवताओं की सभा नहीं बुला सकता, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आया तो मुझे पत्थर की मूर्ति बना सकते हैं। तो मार्क उसे कहता कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। तो खोंशु आसमान में चला जाता है और देवताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दिन को रात में तब्दील कर देता है, जिससे हर तरफ अंधेरा हो जाता है। आर्थर भी ये देख लेता है और वो समझ जाता है कि खोंशु ने देवताओं की सभा बुलाई है, लेकिन वो अपने सभी साथियों कहता है कि तुम सब खोते रहो और चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम खोदना बंद मत करना। वहीं खोंशु मार्क को एक जगह पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि सभी देवता अपने अवतार को बुला रहे हैं। तो मार्क उसे कहता है कि वो तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसीलिए वो यहाँ कैसे आएंगे। तो खोंशु उसे बताता है कि एमियट यानी कि देवताओं के कक्ष का दरवाजा कहीं भी कभी भी खुल सकता है, जो तुम्हें उनके कक्ष यानी कि गीजा के पिरामिड में ले जाएगा। तभी अचानक वहाँ एक दरवाजा खुलने लगता है और खोंशु उसे बताता है कि पिछली बार जब मैंने देवताओं के सामने अपनी बात रखी थी तो मुझे बेदखल कर दिया गया था, इसीलिए तुम्हें हीरो के खिलाफ मजबूत दलीलें पेश करनी होगी ताकि वो हमारी बात पर विश्वास कर सके कि हीरो एमिट को आजाद कर रहा है। फिर खोंशु वहाँ से जाने लगता है तो मार्क उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे। तो खोंशु उसे कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। फिर मार्क उस गेट के अंदर जाता है। स्टीवन भी रिफ्लेक्शन में ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि वो गीजा के पिरामिड के अंदर चले गए हैं। तभी वहाँ ओसायरिस, होरुस, इसिस, टेफनुत और हेथोर के अवतार आर्थर का न्याय करने के लिए आने लग जाते हैं। तभी वहाँ हेथोर के अवतार यसल मार्क से कहती है कि खोंशु कभी ड्रामे करने से बाहर नहीं आता, मगर उसने तुम्हें हेथोर के बारे में तो बताया ही होगा जो संगीत और प्रेम की देवी है। तो मार्क उसे कहता है कि खोंशु को देवताओं का जिक्र करना पसंद नहीं है, उन्हें बस खून खराबा पसंद है। तो यसल उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हेथोर ने मुझे बताया कि कुछ वक्त पहले तक खोंशु को उसकी धुनें पसंद थी। तभी वहाँ बाकी के अवतार भी आ जाते हैं जिनके जहन में उनके गोट की आत्मा आ जाती है, और मार्क में भी खोंशु की आत्मा आ गई थी। इसीलिए ओसायरिस खोंशु से कहता है कि हमें तुम्हारे अंदाज और हथियारों से ऐतराज है, और उसी वजह से तुम पहले भी बेदखल हो चुके हो, और अगर आइंदा तुमने आसमान को छेड़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें पत्थर में कैद कर देंगे। तो खोंशु ने कहता है कि मैं बेदखल हुआ, पर तुम सबकी तरह इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ा। तो रस उसे कहता है कि हमने उनसे मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उन्होंने हमसे मोड़ा है, इसीलिए हमें सिर्फ अवतारों पर भरोसा है कि हमारा काम बिना तमाशा किए चुपचाप करेंगे। तो खोंशु ने कहता कि अवतार कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए देवलोक में आराम छोड़कर वापस धरती पर लौट आओ, वरना तुम सब ये दुनिया खो बैठोगे। तो ओसायरिस उसे कहता कि अवतार का काम सिर्फ नजर रखना है, और हमने सालों पहले फैसला किया था कि इंसानी मामलों में दखल नहीं देंगे, इसीलिए तुम हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो खोंशु ने कहता कि आर्थर एमिट को रिहा करने की साजिश कर रहा है। तो सभी देवता हीरो को वहाँ बुलाते हैं, मगर हीरो वहाँ सबके सामने मासूम बनने का नाटक करता है, इसीलिए वो सभी को कहता है कि मैं यहाँ एमिट को आजाद करने नहीं बल्कि घूमने आया हूँ। और वो खोंशु पर इल्जाम लगा देता है कि खोंशु तब से एमिट के मकबरे को ढूंढ रहे हैं जब से मैं उनका अवतार था, और ये जलन की वजह से साजिश कर रहे हैं, और आप एक ऐसे देवता का भरोसा नहीं कर सकते जो खुद एक कलंक हो, और उनका अवतार मार्क बीमार है, और उसे तो ये तक नहीं पता कि वो कौन है, और इसके अंदर दो दो शख्सियत मौजूद है, और मैंने इसे खुद से बात करते और खुद को धमकाते देखा है, इसलिए आदमी पूरी तरीके से पागल है। इससे खोंशु को गुस्सा आ जाता है और आर्थर पर अटैक करने
लगता है, लेकिन ओसाइरिस उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि इस कक्ष में हिंसा करना मना है। आर्थर सभी को कहता है कि माँ का दिमागी संतुलन सही नहीं है, इसलिए खोंशु इसका इस्तेमाल कर रहा है और आपको उसे रोकना होगा। तोरस खोंशु कहता है कि हमें माँ से बात करनी है और वो माँ की बॉडी से खोंशु को भेज देते हैं। मार्क आर्थर की बातों से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए उन्हें कहता है कि आर्थर सच कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता कि आदमी खतरनाक नहीं है। लेकिन आप सब इस बात को नहीं समझ रहे। तो ओसाइरिस उसे कहता है कि आर्थर का जुर्म साबित नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे बरी करते हैं और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मार्क काफी परेशान होता है तो यसल उसे कहती है केमिट की कब्र खोजने का एक और तरीका है और उसे बताती है केमिट को छिपा कर दफनाया गया था, इसीलिए उसका ठिकाना देवी देवता भी नहीं जानते क्योंकि केमिट भक्त हर जगह मौजूद है, इसीलिए उस जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। सिर्फ सेनफू नाम की एक सिपाही को ही एमिट के मकबरे तक जाने की जानकारी सौंपी गई थी ताकि जब देवता कभी एमिट को माफ करना चाहे तो उसे वापस ला सके। इसीलिए अगर तुम सेनफू का ताबूत ढूंढ लो तो तुम्हें मकबरा मिल जाएगा। तो मार्क उसे पूछता है कि सेनफू का ताबूत कहाँ मिलेगा, तो यसल उसे बताती है कि किसी ने उस ताबूत को चोरी करके काले बाजार में भेज दिया था, इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं है। तो मार्क उस ताबूत की खोज में लग जाता है मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी लायला भी उसके पास आ जाती है। मार्क उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो लायला उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लायला उसे बताती है कि हम एंटोन मोरगार्ड के पास जा रहे हैं जिसे पुरानी चीजों का संग्रह करना अच्छा लगता है और पहले वो मेरा दोस्त था, और उसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ बल्कि मैं उन मासूम लोगों के लिए आई हूँ जो एरो का शिकार बन सकते हैं। तो मार्क उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है क्योंकि मार्क ने लायला को नहीं बताया था कि वो यहाँ कायरो आने वाला है। तो लायला उसे कहती है कि तुमने मुझे स्टोन वाली बात क्यों नहीं बताई, जिस पर मार्क कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताता, कुछ दिनों पहले तो सब कुछ मेरे काबू में था मगर मैं उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। तो लायला उसे हौसला देती है और कहती है कि हम मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो मार्क उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। फिर वो एंटोन के इलाके में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे क्योंकि एंटोन ने वहां पूरा गांव बसा रखा था और उनके पास बंदूकें भी थी। तभी मार्क देखता है कि कुछ आदमी उनका पीछा कर रहे हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि एरो के लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए लायला उसे कहती है कि हमें जल्दी से अपना काम करना होगा और मैंने तुम्हारी नकली आइडेंटिटी बनाई है, इसीलिए तुम्हारा नाम रूफिनो है और हम अभी अभी हनीमून मनाकर लौटे हैं। फिर वो दोनों एंटोन के सिक्योरिटी हेड बेग से मिलते हैं जो लायला को बताता है कि एंटोन अभी एल मेमा गेम खेल रहा है, इसीलिए आपसे थोड़े वक्त बाद मिलेंगे। लायला और मार्क थोड़ी देर इंतजार करते हैं और एंटोन उनसे मिलने आता है। वो लायला को देखकर खुश होता है और उन्हें बताता है कि मैं पुरानी चीजों को संभालने का काम बहुत सीरियसली करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन पुरानी चीजों की हिफाजत कर रहा हूँ। फिर वो दोनों सेनफू के ताबूत के पास जाते हैं जहाँ लायला देखती है कि असली ताबूत है और इस पर रूह के सफर के बारे में लिखा हुआ है मगर इसमें ठिकाने का कहीं जिक्र नहीं है। तभी मार्क को स्टीवन दिखाई देता है जो उसे बताता है कि एमिट के ठिकाने की जानकारी एक पहेली में छिपी हुई है। तो मार्क लायला को कहता है कि तुम एंटोन को थोड़ी देर बाहर रोक कर रखो, मुझे स्टीवन से बात करनी है। तो लायला उसकी बात मान लेती है और वो बाहर बेक और एंटोन के पास जाकर उन्हें कहती है कि मेरे हस्बैंड प्रे कर रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ी देर अंदर मत जाइए। मार्क स्टीवन को कहता है कि तुम क्या बताना चाहते थे। तो स्टीवन उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। तो मार्क उसे कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं सभी को मारकर पता कर लूंगा। तो स्टीवन उसे कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, और उसे कहता है कि लाश का कपड़ा देखो और उसके सिरों को मोड़ दो क्योंकि इस पहेली को सोल्व करने के लिए हमें तारों का मिलान करना होगा। तभी बेग वहाँ आ जाता है क्योंकि उन्हें उस पर शक हो गया था। मार्क बेग से गन छीन लेता है मगर उन्होंने लायला पर गन पॉइंट कर रखी थी, इसलिए मार्क को उसे गन वापस देनी पड़ती है। एंटोन लायला को कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। तो लायला उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम बहुत सारी जाने बचाना चाहते हैं और चाहो तो तुम खुद ताबूत में जाकर देख लो। तभी बेग उसे बताता है कि कोई आपसे सेनफू के ताबूत की डील करने आया है जो कि आर्थर होता है। वो एंटोन को कहता है कि मैं तुम्हें उस ताबूत के बदले इसके रब दे सकता हूँ। तो लायला एंटोन को समझाने की कोशिश करती है कि आर्थर हमें फंसा रहा है, इसीलिए उसकी बातें मत सुनो क्योंकि वो चाहता है कि हम कभी उस ठिकाने पर ना पहुँच सके। तो एंटोन उसे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुमने मुझे धोखा दिया। तो आर्थर उन्हें कहता है कि तुम्हें झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है और वो
लायला को बताता है कि तुम इजिप्ट नहीं आना चाहती थी क्योंकि जो जख्म तुम्हें पापा के कत्ल से मिले थे तुम उन्हें खुरेदना नहीं चाहती, मगर उन पर मरहम लग सकता है अगर मार्क तुम्हें सच्चाई बता दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि जैसे वो खुद की नजरों में गिरा है वो तुम्हारी नजरों में भी गिर जाएगा। फिर वो एंटोन को एमिट का स्टाफ दिखाता है और उसे कहता है कि इस छड़ी में जो ताकत है मैं तुम्हें उसका इस्तेमाल करना सिखा सकता हूँ। और वो एमिट की पावर से सेंफू के ताबूत को खत्म कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। कोंशु मार्क को कहता कि योद्धा का रूप लो और किसी को भी मत बख्शना। तो मार्क मून नाइट के रूप में आ जाता है जिससे एंटोन के सभी गार्ड उस पर हमला करने के लिए आने लगते है। लायला भी मार्क का साथ देती है और उसे कहती है कि तुम सभी का ध्यान भटकाओ और मैं सेंफू की कब्र का कपड़ा हासिल करती हूँ। तो मार्क उसकी बात मान लेता है और सभी गार्ड को खत्म करने लग जाता है। वही लायला सेंफू की कब्र के सभी फटे हुए टुकड़ों को हासिल कर लेती है, मगर तभी बेग वहाँ आ जाता है तो लायला उस पर हमला करने लगती है। वही मार्क भी चुन चुन कर सभी को मार रहा होता है, लेकिन स्टीवन उसे परेशान करता है और उसे किसी को भी मारने से मना करता है जिससे वो स्टीवन को जिस्म दे देता है। और स्टीवन मिस्टर नाइट के सूट में आ जाता है और वो सभी गुंडों को शांत करने की कोशिश करता है, मगर गार्ड उसके शरीर में भाला घुसेड़ने लग जाते हैं। ये देखकर स्टीवन मार्क को वापस जिस्म दे देता है और वो वापस मून नाइट के सूट में आ जाता है, लेकिन सभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वही लायला पर बेग भारी पड़ता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लायला अपने नेकलेस को अलग कर लेती है जिसे उसने खास हमला करने के लिए बनाया था, और वो उन दोनों चाकू को बेग के सीने में घोंप देती है और गन लेकर माँ की मदद करने लगती है। लेकिन तभी एंटोन उस पर हमला कर देता है। ये देखकर माँ को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सभी को खत्म कर देता है और लायला को बचाकर एंटोन को मार देता है। फिर वो वहाँ से एक कार लेकर निकल जाते हैं। लायला माँ को कहती है कि क्या हीरो सच कह रहा था कि तुमने मुझसे सच छिपाया है। तो मार्क उसे कहता है कि वो बकवास कर रहा था और वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तो लायला भी उसकी बात समझ जाती है, मगर वो उसे कहती है कि जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे लगा कि अब हमारे बीच में और कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती, पर हर बार और कुछ सामने आ जाता है और लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तो मार्क उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती और रेगिस्तान में आ जाते हैं, लेकिन हीरो के लोग उनका पीछा कर रहे थे। मार्क और लायला एक जगह पर रुकते हैं जहाँ वो सेंफू के कपड़े को वापस जोड़ने लग जाते हैं, लेकिन उसे नहीं जोड़ पा रहे थे क्योंकि आर्थर ने उस कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लायला माँ को कहती है कि हमें स्टीवन की जरूरत है क्योंकि वो इन सभी चीजों में माहिर है, इसीलिए हमें उसे मौका देना चाहिए। तो कोंशु से कहता है कि पहले हम देवताओं को बुलाकर फंस गए थे और अब हम उस बावले को नहीं बुला सकते, वो तुम्हें जिस्म वापस नहीं करेगा। मगर माँ को कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो स्टीवन को जिस्म सौंप देता है। स्टीवन उन सभी टुकड़ों को जोड़ने लग जाता है और वो लायला को बताता है कि इजिप्शियन ने दुनिया को रास्ता खोजना सिखाया क्योंकि इजिप्ट में सब एक जैसा होता है, इसलिए उन्होंने सूरज और तारों से रास्ता ढूंढने का एक अनोखा तरीका बनाया। और वो सेंफू के उन कपड़े को जोड़कर पहली को सोल्व कर लेता है। लायला ये देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उस चित्र में उन्हें कॉन्स्टेलेशन दिखाई दे रहा था। तो लायला तारों से सितारों के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए उसे स्कैन करने लगती है। तो स्टीवन उसे कहता है कि उतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रही हैं, क्योंकि सेंफू ने ये निशान 2000 साल पहले बनाए थे और तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं, और अगर हमें वो गलती से दिख भी गए तो भी हम उस जमाने की असली जगह से मीलों दूर पहुंच जाएंगे। इसलिए जिस रात इसे बनाया गया था उसका आसमान देखे बिना इसे ढूंढना नामुमकिन है। तो कोंशु से कहता है कि मुझे हर रात याद है, और वो दोनों कोंशु के पीछे जाते हैं जहाँ कोंशु स्टीवन को बताता है कि मैं उस रात का आसमान ला सकता हूँ, लेकिन मुझे उसकी कीमत चुकानी होगी क्योंकि मुझे देवता इस काम के लिए पत्थर की मूर्ति में कैद कर देंगे, मगर तुम मार्क से कहना कि वो मुझे छुड़वाने आए। फिर स्टीवन भी अपने सूट में आ जाता है और कोंशु और स्टीवन मिलकर आसमान को पीछे करने लग जाते हैं, और वो स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि तारों की अजीब सी लाइनें बनने लग जाती है जिसे सभी लोग देख पा रहे थे। और कोंशु उस रात को वापस ले आता है और लायला को भी वो नक्षत्र नजर आ जाते हैं जिसकी मदद से वो एमिट के ठिकाने की लोकेशन पता करने लग जाती है। लेकिन कोंशु के इस काम की वजह से देवताओं के कक्ष में 5 देवता कोंशु को पत्थर में तब्दील करने लग जाते हैं, जिससे कोंशु धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिससे स्टीवन की ताकत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मगर लायला को एमिट की लोकेशन का पता चल जाता है, तभी कोंशु भी पूरी तरीके से पत्थर की मूर्ति बनने की वजह से गायब हो जाता है और इससे स्टीवन भी बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओसाइरिस का अवतार सेलिम हीरो को देवताओं के चेंबर में लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम कोंशु के बारे में बिल्कुल सही थे और उसने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए बाकी
गुनहगारों की तरह यही कैद रहेगा। तो हीरो खोंशु से अकेले में बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे हुक्म पर मुझे लोगों को तड़पाने में मजा आता था, लेकिन वो मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। मगर तुम मुझे तकलीफ नहीं देते तो मैं समझ ही नहीं पाता कि सुकून की असली अहमियत क्या होती है। इसीलिए मैं वो करूँगा जो तुम कभी नहीं कर पाए और मेरी जीत के जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसा बना हूँ। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ओसायरिस का अवतार सेलिम खोंशु की मूर्ति यानी कि उस अवधि को एक कक्ष में लेकर जाता है, जहाँ खोंशु की उस अवधि को बाकी के देवताओं की उस अवधि के साथ रख देता है। वहीं हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जिसकी पावर जाने की वजह से वो बेहोश हो गया था, जिससे उसके अंदर ना तो खोंशु की कोई पावर बची ना ही कोई सूट बचा था। लायला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी आर्थर के लोग वहाँ आ जाते हैं क्योंकि वो उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन लायला बहुत ही चालाकी से अपनी कार में छिप जाती है, जहाँ उसे फ्लेयर स्टिक दिखाई देती है, इसीलिए स्टिक की मदद से आर्थर के लोगों पर हमला कर देती है, जिससे उनकी गाड़ी में रखी हुई बुलेट ब्लास्ट हो जाती है और आर्थर के लोग मारे जाते हैं। स्टीवन ये देखकर हैरान होता है कि लायला ने उन्हें मार दिया। फिर वो दोनों आर्थर को रोकने के लिए एमिट के ठिकाने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो उस जगह काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता काफी संकरा था, इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं और कुछ ही घंटों में एमिट के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि आर्थर और उसके साथी अंदर जा चुके थे। इसीलिए लायला स्टीवन को कहती है कि हमें अंदर जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, और वो वहाँ कैंप से अपनी जरूरतों का सामान लेने लग जाते हैं। स्टीवन को रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि तुम मुझे जिस्म दे दो, क्योंकि हमारे पास सूट नहीं है जिससे ना तो हमारे जख्म बनेंगे ना ही शक्ति मिलेगी। लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता, तो मार्क उसे कहता है कि मैं ऐसी मुश्किलों का सामना कर चुका हूँ और तुम अकेले नहीं हो। तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, लायला मेरे साथ है। तो मार्क समझ जाता है कि वो लायला से प्यार करने लगा है, इसीलिए उसे कहता है कि अगर तुमने लायला को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन स्टीवन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लायला और स्टीवन नीचे मकबरे में जाने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ लायला स्टीवन को बेल्ट से बांधते वक्त उसे किस करने लगती है। तो स्टीवन उसे बताता है कि मार्क तुम्हें बचाना चाहता है, इसीलिए वो तुमसे दूर जा रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि खोंशु तुम्हें अवतार बना लेगा और मार्क ऐसा नहीं चाहता। तो लायला उसे कहती है कि उसे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे रखवाली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईमानदारी चाहिए और वो खूबी सिर्फ तुम में है। तो स्टीवन इससे खुश हुआ लायला को किस कर लेता है, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मगर मार्क इस बात से खुश नहीं था, इसीलिए जब लायला मकबरे के अंदर जाती है तो मार्क स्टीवन पर हावी होकर उसे पंच मारता है, जिससे स्टीवन सीधा ही अंदर गिर जाता है। लायला वहाँ अपने डेड अब्दुल्ला अल फुली की याद में वहाँ उनके फर्स्ट अल्फाबेट लिखती है, और वो स्टीवन को बताती है कि मेरे डेड एक फेमस जिद्दी आर्कियोलॉजिस्ट थे, और अगर आज वो जिंदा होते तो इस जगह को देखकर बहुत खुश होते। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक भूलभुलैया दिखाई देती है, जहाँ आगे जाने के 6 रास्ते थे जो कि असल में आयो फोरस की पहेली थी। लायला को वहाँ कुछ गोलियाँ दिखाई देती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कितनी गोलियाँ किस पर चलाई होगी। स्टीवन समझ जाता है कि ये पूरी जगह होरस की आँख का निशान है, इसीलिए वो वहाँ पत्थर पर होरस की आँख बनाता है और लायला को बताता है कि एमिट का आखिरी अवतार इजिप्ट का राजा फेरो था, जिससे वो खुश होते है। स्टीवन लायला को बताता है कि होरस की आँख मन की आँख थी, जो 6 इंद्रियों को दर्शाती है, और इसमें जो लंबी लाइन होती है वो जीवन को दर्शाती है, जिससे लायला समझ जाती है कि एमिट की आवाज उसका अवतार था। इसीलिए वो सीधी लाइन वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें हेका पुजारियों के चित्र दिखाई देते हैं। हेका पुजारी दरअसल प्राचीन मिस्र के जादूगर होते थे, जिन्हें उनके फेरो यानी की राजा की रक्षा के लिए उनके साथ दफनाया जाता था। लायला स्टीवन को बताती है कि यहाँ कई सारी मम्मी रखी हुई है, इसलिए ये वो सभी लोग होंगे जिन्होंने इस मकबरे में घुसने की कोशिश की होगी, लेकिन हेका पुजारियों ने इन्हें मार डाला। तभी स्टीवन को वहाँ ताजा खून और मांस दिखाई देता है। यह देखकर लायला उसे कहती है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, लेकिन वहाँ आगे हड्डियाँ और खून के निशान थे, जिससे स्टीवन काफी डर जाता है और वो लायला को कहता है कि हमें किसी दूसरे रास्ते से चलना चाहिए, और उसे वहाँ ऊपर एक रास्ता दिखाई देता है। तो लायला स्टीवन को वो रास्ता चेक करने के लिए ऊपर चढ़ा देती है, जहाँ स्टीवन देखता है कि वहाँ लाश पर लगाने वाले मसाले और मुर्दों को ताजा रखने की सारी चीजें रखी हुई है, और स्टीवन को वहाँ आगे जाने का रास्ता नजर आ जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि आर्थर के लोग किस पर फायरिंग कर रहे हैं। तभी
वहाँ कोई आने लगता है, इसीलिए स्टीवन लायला को छिपने को कहता है। तभी वहाँ पर एक हेका पुजारी उस पुलिस इंस्पेक्टर की बॉडी लेकर आता है जो एपिसोड 2 में स्टीवन को आर्थर के पास लेकर गया था, जिसका नाम बिली था। वो हेका पुजारी बिली को मार देता है क्योंकि उसने फेरो यानी कि राजा के मकबरे में आने का जुर्म किया था, और वो बिली के सारे अंगों को निकाल कर बोतलों में भरने लग जाता है ताकि उसका ममीफिकेशन कर सके। स्टीवन और लायला ये देखकर काफी डर जाते हैं। लायला भी वहाँ उसी पत्थर के पीछे छिपी होती है। तभी एका पुजारी को स्टीवन की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए ऊपर आने लग जाता है। ये देखकर लायला स्टीवन को बचाने के लिए उस एका पुजारी का ध्यान भटकाती है और वहाँ से भागने लग जाती है, जिससे मार्क उस एका पुजारी पर टेबल फेंक देता है, जिससे उसे लगता है कि उसने उसे मार दिया, और वो मकबरे की तरफ जाने वाले रास्ते से आगे बढ़ने लग जाता है। वही लायला भी दूसरे रास्ते से भाग रही होती है, जिससे वह एक खाई में गिरने से बाल बाल बच जाती है और उस खाई के साइड में बने पत्थरों की मदद से आगे बढ़ने लगती है। मगर वो एका पुजारी मरा नहीं था, इसीलिए वो लायला को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन लायला उसका हाथ तोड़ देती है और उस फ्लेयर स्टिक को उसकी आँख में घुसा कर खाई में फेंक देती है, जिससे वो खुद भी बहुत मुश्किल से नीचे गिरने से बचती है। लायला काफी घबरा जाती है। तभी आर्थर हीरो भी वहाँ आ जाता है। वह स्टीवन फेरो के मकबरे में पहुँचता है जो कि बहुत शानदार मकबरा था, जिससे स्टीवन को पता चल जाता है कि वो मकबरा अलेक्जेंडर द ग्रेट का है जो बरसों से खोया हुआ था और उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। वहीं आर्थर लायला को उसके डेड के बारे में बताता है कि तुम्हारे डेड अब्दुल्ला एल्फुली तुम्हें प्यार से छोटू सी स्क्रब बुलाते थे, और उन्हें इस बात से बेहद खुशी होगी कि उसकी बेटी इस बात की गवाह है कि इजिप्शियन देवता हमारे बीच रहते हैं, क्योंकि किसी को इस बात पर विश्वास नहीं था। फिर उसे बताता है कि तुम्हारे पापा को आतंकियों ने मारा था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन थे, मगर मार्क सब कुछ जानता है क्योंकि उस दिन वहाँ मौजूद था। इससे लायला काफी दुखी हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगती है। वही मार्क स्टीवन को कहता है कि हमें अलेक्जेंडर का ताबूत खोलना होगा क्योंकि इसमें ही एमिट की उसाबती होगी। तो स्टीवन वो ताबूत खोलता है जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट की मम्मी पड़ी हुई थी, लेकिन उसमें वो उसाबती नहीं होती जिसमें एमिट कैद थी। तो स्टीवन मार्क को बताता है कि अगर किसी चीज को हमेशा के लिए छिपाना है तो उसे ऐसी जगह पर छिपाया जाएगा जहाँ आम चोरों की नजर न जाए। तो मार्क उसे पूछता है कि वो जगह कौन सी है। तो मार्क को याद आता है कि अलेक्जेंडर एमिट की आवाज थे, इसलिए वो अलेक्जेंडर की मम्मी के मुंह में हाथ डालता है जिससे उसे एमिट की उसाबती मिल जाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है और उसे लायला को दिखाता है। मगर लायला बहुत गुस्सा होती है, इसीलिए वो स्टीवन को कहती है कि क्या मार्क मेरी बात सुन सकता है। तो स्टीवन मार्क को अपना जिस्म दे देता है। तो लायला उसे पूछती है कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था, लेकिन मार्क उसे कुछ नहीं बताना चाहता था, इसीलिए उसे लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन लायला जाने से मना कर देती है। तो मार्क उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लायला जाने से मना कर देती है और उसे कहती है कि क्या तुमने ही मेरे डेड को मारा था। तो मार्क उसे कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। तो लायला उसे कहती है कि तुम वही मौजूद थे और तुमने देखा था कि उन्हें किसने मारा। तो मार्क उसे बताता है कि मेरे साथी ने लालच में आकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डाला, और मैंने तुम्हारे पापा को बचाने की कोशिश की थी पर मैं नहीं बचा पाया। इससे लायला बहुत दुखी हो जाती है और वो मार्क पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम एक कातिल को उनके पास लेकर गए। तो मार्क उसे कहता है कि मैं अपने साथी को वहाँ लेकर गया था, मगर उसने मुझ पर भी हमला किया और उसने मुझे गोली मारी, मगर मैं खोंशू की वजह से बच गया, और मैं तुम्हें यह बात कब से बताना चाहता था, लेकिन मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई। तभी आर्थर और उसके साथी आने लग जाते हैं। तो लायला उस अवधि लेकर वहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाती है और मार्क आर्थर के लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ आर्थर अपने साथियों के साथ आ जाता है जिन सबके पास गन होती है, लेकिन मार्क उन पर अटैक करके तीन लोगों को मार देता है। लेकिन तभी आर्थर अपनी पॉकेट में से गन निकाल कर मार्क को गोली मार देता है, जिससे मार्क पानी में गिर जाता है। लायला इससे काफी दुखी हो जाती है। मार्क पानी गहराइयों में समाता चला जाता है, जिससे जब मार्क की आँख खुलती है तो एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में होता है जहाँ वो सभी इंसान होते हैं जिन्हें मार्क जानता था। यहाँ तक कि वहाँ वो इंसान भी होते हैं जो मार्क के सामने मारे गए थे। मार्क शीशे में देखकर स्टीवन का आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो पट्टे से बंधा हुआ था और उसके हाथ से मून नाइट की डोल गिर जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब मार्क के दिमाग की कल्पना थी। मार्क को हीरो के पास लेकर जाया जाता है जो कि एक मेन थेरेपिस्ट था, जो मार्क को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था,
और स्टीवन नाम की उसके अंदर कोई शख्सियत मौजूद नहीं है। और वो स्टीवन की जो शख्सियत महसूस कर रहा था वो टॉम बस्टर मूवी का हीरो स्टीवन ग्रांट है। लेकिन तभी माँ को याद आता है कि हीरो ने उसे गोली मारी थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सब आर्थर का इल्यूजन है और ये सारी चीजें असली नहीं है। इसीलिए वहाँ से भागने लगता है तो आर्थर के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते है, लेकिन मार्क उन पर हमला करके भागने लगता है। वो उन दोनों से बचने के लिए वॉशरूम में छिप जाता है, जहाँ माँ को एक ताबूत दिखाई देता है जिसमें से स्टीवन की आवाज आ रही थी। इसलिए जब मार्क उसे खोलता है तो उसमें से स्टीवन बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे को अलग अलग बॉडी में देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मार्क स्टीवन से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार क्या हुआ था, तो स्टीवन उसे कहता है कि हीरो ने हमें गोली मारी थी, जिससे मार्क खुश होता है कि उन दोनों को सब याद है और ये जगह आर्थर का बनाया गया एक जाल है। इसीलिए वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक और ताबूत दिखाई देता है क्योंकि स्टीवन के अंदर माँ के अलावा एक और शख्सियत मौजूद थी, जिससे ही हमें वो ब्लैकआउट सीन दिखाए जाते थे जिसमें मार्क लोगों को मार देता था। लेकिन मार्क उस ताबूत पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ इजिप्शियन देवी तवरेता जाती है, जो कि इप्पो की तरह दिखाई दे रही थी, और जब वो उन्हें हाई कहती है तो काफी डर जाते हैं और डरने की वजह से मार्क अपनी इमेजिनेशन में हीरो के सामने पहुंच जाता है, जहाँ हीरो से विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम मरे नहीं हो और न ही तुम किसी गोट के अवतार हो, बस ये सब तुम्हारे दिमाग की कल्पना है और हकीकत में तुम शिकागो के मेंटल हॉस्पिटल में हो, जहाँ का डॉक्टर मैं हूँ और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, जिससे मार्क भी कंफ्यूज हो जाता है। तो हीरो से बताता है कि तुम्हारी बुरी यादों की वजह से तुमने अपनी शख्सियत को दो भागों में बांट दिया था, इसलिए देवी तवरेती तुम्हारे और स्टीवन के बीच के फासले को सुलझा सकती है और तुम्हें समझा सकती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ से निकलने लगता है। मगर तभी हीरो के लोग उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं, जिससे माँ वापस वहीं पहुँच जाता है जहाँ उसके सामने इजिप्शियन देवी तवरेता आ गई थी। वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मर चुके हो और तुम अभी इजिप्शियन मृत्यु लोक डुआट में हो और तुम्हें रूह के मैदान की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मगर माँ को विश्वास नहीं होता और उससे अब हीरो की बातों से लगने लग गया था कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन स्टीवन समझ जाता है कि वो हिप्पो देवी तवरेत है, जो औरतों और बच्चों की देवी है, जो हमें यहाँ मुक्ति का रास्ता दिखाने आई है। तो मार्क तवरेत से पूछता है कि क्या मृत्यु लोक है, जहाँ मरने के बाद जाते हैं। तो तवरेत उन्हें बताती है कि इंसानी दिमाग के लिए डुआर्ट की असलियत जाना नामुमकिन है, इसीलिए तुम्हें जगह उस रूप में नजर आएगी जिससे तुम वाकिफ हो। लेकिन स्टीवन को समझ नहीं आता कि हमारे दिमाग में ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल की तरह क्यों है। मगर मार्क को हीरो की बातों से विश्वास हो गया था कि वो पागल है, इसीलिए स्टीवन को कहता है कि हम पागल हो गए हैं और हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जैसे कि ये देवी और मेंटल हॉस्पिटल, ये सब हमारे दिमाग का वहम है। और वो स्टीवन को डॉक्टर हीरो के पास ले जाने के लिए गेट खोलता है, लेकिन वो देखता है कि वो एक चलती हुई नाव के ऊपर है जो उन्हें रूह की दुनिया में ले जा रही थी, जिससे माँ को विश्वास हो जाता है कि वो पागल नहीं है और तवरेत सच में मौजूद है और वो अभी मृत्यु लोक में है। इससे वो बहुत खुश होते हैं और वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो स्टीवन उसे बताता है कि हम आरू की तरफ सुकून के मैदान के पास जा रहे हैं। तवरेत बताती है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बोझ नहीं होगा तो तुम हमेशा स्वर्ग में सुकून के मैदान में रहोगे। फिर तवरेत उन दोनों के सीने में हाथ डालकर उनके दिल बाहर निकाल लेती है और वो इंसाफ के तराजू में दिल को और सच के पंख को तोड़ने जाती है। स्टीवन मार्क को बताता है कि प्राचीन इजिप्शियन मानते थे कि इंसान के दिल में उनके जीवन का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है और अगर सफर खत्म होने तक दिल पंख जितना हल्का हुआ तो रूह को सुकून के मैदान यानी कि स्वर्ग में जाने दिया जाएगा। और तवरेत उन्हें बताती है कि अगर तुम्हारा दिल भारी होगा तो तुम्हें इस जहाज से नीचे फेंक दिया जाएगा, जिससे मौत के बाशिंदे तुम्हें दुआट यानी कि इस रेगिस्तान में घसीट लेंगे, जहाँ तुम हमेशा पत्थर की मूर्ति बनकर फंसे रहोगे और यही इस जहाज का नियम है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों स्वर्ग में जाओ। तभी वो देखती है कि न्याय का तराजू बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा है और उन दोनों को बताती है कि तुम्हारे दिल में कुछ कमी है और अगर तुम्हारे दिल पंख जितने हल्के नहीं हुए तो तुम्हारी रूह द्वार में जम जाएगी। तो स्टीवन तवरेत से पूछता है कि क्या आपके पास इसका कोई हल है। तो तवरेत उन्हें बताती है कि इस नाव में तुम्हारी जीवन की सारी यादें बसी है और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कुछ बातें छिपा रहे हो, इसीलिए तुम्हें अंदर जाकर उस सच का पता लगाना चाहिए और तुम्हें ये सब सुकून के मैदान आने से पहले करना होगा, वरना तुम दुआट में हमेशा के लिए जम जाओगे। तो मार्क और स्टीवन उसकी बात मानकर अंदर जाते हैं, जहाँ मार्क स्टीवन से कहता है कि हमें उस हिप्पो को मारकर इस जहाज पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो स्टीवन उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक देवी है, इसीलिए हमें उन राज का पता लगाना
होना चाहिए जो हम एक दूसरे से छिपा रहे हैं। तभी स्टीवन देखता कि वहाँ हर एक अलग कमरे में उनकी अलग अलग यादें बसी हुई है। तभी स्टीवन को किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए जब वो उस रूम में जाता है तो उसे लाशों का एक कैंटीन दिखाई देता है, जहाँ मार्क देखता है कि वो सभी लोग मौजूद है जिन्हें उसने मारा था। स्टीवन मार्क से पूछता है कि तुमने इन सभी लोगों को क्यों मारा, तो मार्क बताता है कि सभी मुजरिम थे जो लोगों को मारते थे, इसीलिए खोशु के कहने पर मैंने इन्हें सजा दी, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था, इसीलिए मैं हमेशा सोचता था कि इन सभी में से कोई मुझे मार दे, मगर खोशु की हीलिंग पावर की वजह से ऐसा कभी नहीं हो सका। स्टीवन देखता है कि मार्क के सच बोलने की वजह से तराजू धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। तभी स्टीवन को वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है और उसे लगता है कि मार्क ने उसे भी मार दिया था, इसीलिए उस बच्चे के पीछे जाता है, लेकिन वो बच्चा भागकर एक रूम में चला जाता है। मार्क स्टीवन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन अंदर से गेट बंद कर देता है, जहाँ उस रूम में मार्क के बचपन की यादें थी, जहाँ स्टीवन को पता चलता है कि मार्क का एक और छोटा भाई भी था जिसका नाम रेंडल था, और एक दिन जब वो साथ में खेलने निकले थे तो एक गुफा में चले गए, मगर तभी पानी भरने की वजह से वो अंदर फंस गए थे। स्टीवन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये सब तो सिर्फ यादें थी जो बचपन में मार्क के साथ हुआ था। मार्क भी उस रूम में पहुंचता है जब उसके छोटे भाई का शोक मनाया जा रहा था, क्योंकि उस गुफा में से मार्क तो बाहर आ गया था लेकिन रेंडल अंदर ही फंसकर मर गया था। इससे मार्क की माँ वेंडी को बहुत गहरा सदमा लगा, जिससे वो मार्क को रेंडल की मौत का जिम्मेदार मानती थी। इससे अब वो बहुत ही सहमी सी रहने लगी थी और वो मार्क से ना तो ज्यादा बात करती, ना ही मार्क के बर्थडे में शामिल होती थी, और वो मार्क को बार बार यही ताना मारा करती थी कि तुम अपने भाई से जलते थे और मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम एक दिन उसे मार दोगे। मार्क भी इससे काफी ज्यादा उदास रहने लगा था, जिससे अपने रूम में जाकर छिप जाया करता था। स्टीवन भी उस रूम में जाने लगता है, लेकिन मार्क उसे रोक लेता है और उसे बाहर ले आता है। स्टीवन मार्क को कहता है कि तुमने मोम को कैसे याद रख रखा है, क्योंकि मुझे मेरी मोम जैसे याद है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तभी वहाँ स्टीवन वो पल देखता है जब मार्क बड़ा हो गया था और वो अपनी माँ से परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। मार्क स्टीवन को ये सब देखने से मना करता है और उसे हिट करता है, जिससे वो जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। स्टीवन समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ मार्क ने होस्टेज को मारा था, तो मार्क उसे बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और हीरो के लोग झूठ बोल रहे थे। फिर उसे सच्चाई बताता है कि मैंने बिना पूछे मिलिट्री से छुट्टी ली, इसीलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, और जॉब न होने की वजह से मैं काम मांगने के लिए कमांडिंग ऑफिसर बुशमन के पास गया और उसने मुझे इजिप्शियन मकबरे को लूटने के प्लान में शामिल किया, लेकिन उसके बाद में उसका इरादा बदल गया और सभी होस्टेज को मारने के ऑर्डर दिए, जिसमें लायला के डेड अब्दुल्ला अल-फुली भी शामिल थे, लेकिन मैं किसी को नहीं मारना चाहता था, इसीलिए मैं सभी को बचाकर वहां से निकल गया। लेकिन मेरे साथी जो इस मिशन को अंजाम देने आए थे, उन्होंने लालच में सभी को मार दिया। तो स्टीवन उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो मार्क उसे खोशु के मकबरे में लेकर जाता है, जहाँ वो देखता है कि मार्क को भी उन्होंने गोली मार दी थी, इसीलिए वो रेंगते रेंगते खोशु के मकबरे में पहुँच गया था, मगर वो हिम्मत हारने की वजह से वो खुद को गोली मारने वाला था, मगर तभी उसे खोशु की आवाज सुनाई दी। खोशु ने उसे कहा कि मुझे एक योद्धा की तलाश है जो मेरा इंतकाम ले और मैं जिन कसूरवारों को सजा दूं उन्हें वो मिटा दे और मासूमों की रक्षा करे, और तुम्हें मुझे वो खूबी साफ दिखाई दे रही है क्योंकि तुम्हारा जहन बहुत बेमिसाल है, इसीलिए तुम मेरे अवतार बनने के लायक हो। और वो मार्क से सौदा करता है कि अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम कसम खाओगे कि तुम रात के मुसाफिरों की रक्षा करोगे और जो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे उनसे मेरा इंतकाम लोगे, तो मार्क हाँ कर देता है, जिससे अब मार्क मून नाइट बन जाता है। तभी स्टीवन को वहाँ बबुंस की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ तवरेत उन्हें बताती है कि देवलोक में हाहाकार मच रहा है जिससे बेचैन रूहों को बिना न्याय दिए उन्हें वक्त से पहले रेत में जमा दिया जा रहा है। मार्क समझ जाता है कि ये सब हीरो कर रहा है, इसीलिए स्टीवन तवरे से कहता है कि हमें वापस जाना होगा, तो तवरे तुम्हें कहती है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा कर भी दूं तो तुम गोली लगी हुई बॉडी में वापस लौटोगे जिससे तुम्हारे घाव कभी नहीं बनेंगे। तो स्टीवन उसे कहता है कि हमें खोशु को रिहा करना होगा क्योंकि खोशु की पावर से ही हमारे जख्म भर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तो तवरे तुम्हें कहती है कि तुम्हें ओसायरिस के द्वार से गुजरना होगा जिससे ही तुम जिंदा हो पाओगे, और वो बोट को ओसायरिस के दरवाजे की तरफ मोड़ लेती है और उन्हें कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से तराजू का संतुलन बनाना होगा। तो मार्क और स्टीवन अंदर जाते हैं, जहाँ स्टीवन मार्क को कहता है कि हमें वापस उसी कमरे में जाना होगा जहाँ तुमने मुझे जाने से रोक लिया था, मगर मार्क उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अपनी
पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था। स्टीवन उसे कहता है कि हम नरक में सड़ने वाले हैं, इसीलिए अगर हम जिंदा नहीं हुए तो हीरो जीत जाएगा और वो सभी लोगों को मार देगा, और अगर लायला की जान चली गई तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। मार्क इससे काफी परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि ये सब झूठ है और वो खुद को मारने लग जाता है, जिससे वो वापस से अपनी इमेजिनेशन से हीरो के पास पहुंच जाता है, जहां हीरो से शांत करता है और उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने स्टीवन की शख्सियत अपने अंदर बनाई है ताकि जिंदगी में जो भी गलतियां तुमने की है उनसे तुम अपना मुंह छिपा सको और ऐसा विश्वास कर सको जैसे तुमने एक नॉर्मल लाइफ जी है, या फिर स्टीवन ने माँ को बनाया है ताकि उसकी माँ ने उस पर जो जुर्म किए थे वो उनका बदला सभी इंसानों से ले सके। लेकिन माँ को कुछ याद नहीं होता, जिस पर हीरो कहता है कि इन बातों को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें स्टीवन को सब कुछ सच सच बताना होगा, जिससे ये चीजें समझ आएगी और तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। तो मार्क उसकी बात समझ जाता है और स्टीवन को लेकर बचपन वाले माँ के रूम में जाता है, जहाँ मार्क अपने माँ के गुस्से की वजह से कमरे में छिपा रहता था। स्टीवन माँ को कहता है कि ये कमरा मेरा ही है, लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है वो मुझे याद नहीं है। मगर स्टीवन तभी वहाँ टॉम राइडर मूवी के हीरो स्टीवन ग्रांट का पोस्टर देखकर समझ जाता है कि मार्क अपनी माँ से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे हमेशा बेल्ट से मारा करती थी। इसीलिए मार्क ने अपने अंदर स्टीवन ग्रांट की शख्सियत पैदा कर ली थी ताकि वो भी अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके, जिससे स्टीवन को बुरे लम्हों की कुछ बातें याद नहीं थी। स्टीवन इन सब से काफी हैरान होता है कि उसका कोई वजूद नहीं है और उसे माँ की कल्पना है। मार्क के देखकर स्टीवन को बाहर ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इन यादों से दूर रहना चाहिए। तो स्टीवन माँ को मुक्का मारता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं असली हूँ, पर मैं तुम्हारा बनाया हुआ एक किरदार हूँ। तो मार्क उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें खुशहाल और नॉर्मल लाइफ मिली, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम असली नहीं हो, क्योंकि तुमने जो जिंदगी जी थी उसमें मॉम तुमसे प्यार करती थी, बल्कि वो अभी तक भी जिंदा है लेकिन वो कब की मर चुकी है। फिर उसे बताता है कि जब सालों पहले मैं घर छोड़कर चला गया था तो आज से 2 महीने पहले मुझे डेट का कॉल आया था ताकि मैं माँ के शिवा पर जा सकूं, लेकिन मैं नहीं जा पाया। स्टीवन इससे काफी परेशान हो जाता है, जिससे एक बार स्टीवन हीरो के पास पहुंचता है। स्टीवन हीरो को देखकर हैरान होता है कि वो एक डॉक्टर है जिसकी मुझे मौजूद थी, और उसे वहाँ बहुत सारी इजिप्शियन चीजें दिखाई देती है। हीरो से कहता है कि तुम खुद इस हॉस्पिटल में आए थे जब तुम्हारी माँ गुजर गई थी। इससे स्टीवन काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है। तो हीरो उसकी माँ को कॉल लगाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो मर गई थी। इससे स्टीवन पूरी तरह से समझ जाता है कि वो सिर्फ माँ के दिमाग की महज एक कल्पना है। फिर माँ की मॉम सैंडी का शिवा वाला सीन दिखाया जाता है, और उसके डैड ने माँ को भी वहाँ बुलाया था, लेकिन माँ अंदर नहीं गया क्योंकि वो अपनी माँ से परेशान था और उसे लगने लगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था और उसने ही अपने भाई की जान ली। मार्क इससे काफी टूट चुका था, जिससे उसके अंदर फिर से बचपन वाली स्टीवन ग्रांट की शख्सियत जाग गई थी, जिससे वो बार बार जब दुखी होता तो स्टीवन बन जाता था और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, और वो अपनी मॉम को फोन लगाकर घर की तरफ निकल जाता था। स्टीवन भी वहाँ आ जाता है, जहाँ मार्क उसे बताता है कि यही वो 2 महीने पहले का दिन था जब मॉम का शिवा था, और इसी दिन से हम दोनों की जिंदगियां एक होने लगी। फिर उसे बताता है कि मैं मॉम के शिवा में जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैंने ही अपने भाई की जान ली थी। तो स्टीवन उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, क्योंकि तुम जानबूझकर अपने भाई को गुफा में नहीं लेकर गए थे, बस तुम खेल रहे थे क्योंकि उस वक्त तुम भी एक बच्चे थे। तभी अचानक वहाँ भूकंप आने लगते हैं क्योंकि जहाज रुक चुका था, और वो ओसाइरिस के इंसानी दुनिया के द्वार के पास पहुँच जाते हैं। मार्क और स्टीवन जब बाहर आते हैं तो तवरेत से पूछते हैं कि हम ओसाइरिस के द्वार को कैसे खोल सकते हैं। तो तवरेत उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि तराजू स्टेबल नहीं हुआ, इसीलिए द्वार के बाशिंदे तुम्हें पकड़ने आएंगे। तभी वहाँ रेस से बाशिंदे उन्हें पकड़ने के लिए जहाज पर आने लगते हैं, जिससे स्टीवन डर कर पीछे छिप जाता है और मार्क उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उसे पकड़ लेते हैं और उसे जहाज से नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर स्टीवन मार्क को बचाने के लिए उन पर हमला करने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि मार्क अगर लोगों से लड़ सकता है तो वो भी लड़ सकता है, क्योंकि वो दोनों एक ही है, और वो एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। ये देखकर मार्क भी खुश होता है, लेकिन तभी नीचे से एक और बाशिंदा आकर मार्क को पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिससे स्टीवन जब उसे रोकने जाता है तो खुद उस बाशिंदे के साथ नीचे द्वार में गिर जाता है। मार्क इससे काफी डर जाता है और वो स्टीवन को आवाज लगाता है, क्योंकि वो अब उसे नहीं खोना चाहता था। स्टीवन भी वापस जहाज पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर की तरह जम जाता है। मार्क तवरेत को बोट रोकने को कहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वो
देखती है कि अब तराजू स्टेबल हो गया है, जिससे मार्क सुकून के मैदान में पहुंच जाता है। फिर अब हमें असली दुनिया में दिखाया जाता है कि एरो के लोग मार्क की बॉडी को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। एरो मार्क से एमिट की उसावधि हासिल कर लेता है और वो मार्क से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुमने मुझे मारने पर मजबूर किया। और वो स्क्रैप को मार्क की बॉडी पर रख देता है। लायला भी वही छिपी हुई होती है और वो आर्थर के एक आदमी को मार देती है, मगर हीरो इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सभी इस बात के लिए खुश थे कि उन्हें एमिट मिल गई। फिर हीरो एमिट की पावर से अपने स्टाफ को एक्टिवेट करके उसे एमिट की छड़ी में तब्दील कर देता है और गिजा के पिरामिड की तरफ निकल जाते हैं। लायला मां के मरने की वजह से काफी दुखी हुई उसे हक कर लेती है और डिसाइड करती है कि वो हीरो को खत्म कर देगी और वो स्क्रब लेकर आर्थर के आदमियों में शामिल हो जाती है। वो गिजा के पिरामिड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है क्योंकि उन सभी के पास गन्स थी। एक पुलिस ऑफिसर आर्थर से पासपोर्ट मांगता है, लेकिन आर्थर उन्हें पासपोर्ट नहीं देता और एमिट की पावर से उन सभी की रूह निकाल कर उन्हें मार देता है। उनमें से सिर्फ एक ही ऑफिसर जिंदा बचता है क्योंकि वो एक नेक इंसान था। फिर सभी लोग रास्ते से लाशें हटाने लगते हैं। लायला मौका देखकर हीरो को मारने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पड़ी डेड बॉडी से तवरेद लायला से बात करती है। वो लायला को बताती है कि मार्क ने तुम्हें रोकने को कहा है क्योंकि तुम अकेले हीरो को नहीं मार सकती, मगर लायला को समझ नहीं आता और उसे कहती है कि मार्क मर गया है। तो तवरेद उसे कहती है कि मैं भी मरे हुए लोगों के जरिए बोल रही हूँ, इसीलिए तुम मेरी बात सुनो। और उसे बताती है कि हीरो को अकेले रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसीलिए मां को दोबारा जिंदा करने के लिए कोंशु की शब्दी को तोड़कर उसे आजाद करना होगा, जिसे देवताओं के कक्ष में रखा गया है, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसीलिए तुम मेरी अवतार बन जाओ। लेकिन लायला मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं खुद उसका सामना करूंगी। और वो हीरो की गाड़ी में बैठकर गिजा के पिरामिड की तरफ निकल जाती है क्योंकि उसके अंदर ही देवताओं का कक्ष था। हीरो पिरामिड पर पहुंचकर एमिट की शक्ति से द्वार को तोड़ने लग जाता है। ओसाइरिस के अवतार सेलिम और बाकी अवतारों को भी इस बात का पता चल जाता है कि हीरो एमिट को रिहा करवाने आ रहा है। तभी हीरो दरवाजे को तोड़कर अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है। ओसाइरिस और बाकी अवतार हीरो का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाते। लायला मौका देखकर खोंशु को आजाद करवाने के लिए देवताओं के कक्ष में जाती है, जहां वो खोंशु की उषाबदी को ढूंढ लेती है। वही हीरो भी एमिट की उषाबदी को तोड़ देता है, जिससे एमिट आजाद हो जाती है क्योंकि सिर्फ देवताओं के कक्ष में मूर्ति तोड़ने पर ही कैद देवता आजाद हो सकते थे। एमिट बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह दिखाई दे रही थी। वो हीरो को कहती है कि तुमने मुझे आजाद किया, मगर तुम भी बुरे हो क्योंकि तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है। तो हीरो से कहता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं रोज कांच पर चलकर दर्द सहूंगा तो शायद पाप मिट जाएंगे, लेकिन मैं गलत था, इसीलिए तराजू मुझे जो सजा देगा वो मुझे कबूल होगी। तो एमिट उसे बताती है कि तराजू के डगमगाने की वजह तुम्हारा आने वाला कल है, मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि आने वाले कल में तुम मेरी खिदमत करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारी मौत टाल रही हूँ। फिर उसे बताती है कि मैंने एक बार एक ऐसे खादिम पर भरोसा किया था जो तराजू के मुताबिक बड़ा नेक था, पर उसने मुझे 2000 साल तक कैद करवा दिया। जिस पर हीरो ने कहता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे बग ढूंढ कर लाया हूँ जिनके तराजू बिल्कुल भी नहीं डगमगाते और वो आपकी हर एक बात मानेंगे। जिस पर एमिट कहती है कि मुझे रिहा तो तुमने करवाया, इसीलिए मुझे तुम जैसा अवतार चाहिए, इसीलिए तुम मेरी बात मानो और अपने सभी पुराने जख्म बुलाकर मेरी खिदमत करो। तो हीरो भी उसकी बात मान लेता है, जिससे एमिट उसे अपना अवतार बना लेती है। वही लायला भी खोंशु की मूर्ति को तोड़ देती है, जिससे खोंशु आजाद हो जाता है। वो लायला को कहता है कि मैं माँ को इस दुनिया में महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो शहीद हो गया होगा। और वो लायला को उसका अगला अवतार बनने को कहता है, लेकिन लायला उस पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से माँ की जान चली गई और तुमने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, जैसे माँ को नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ तो जरूर दूंगी लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगी। तो खोंशु भी मान जाता है और वो लायला कहता है कि हमें एमिट को फिर से कैद करना होगा और ये सिर्फ अवतार ही कर सकता है, लेकिन लायला उसकी बात नहीं सुनती। वही एमिट अपने अवतार हीरो और बाकी सभी लोगों को लेकर कायरो के पापी लोगों को मारने के लिए निकलने लगती है ताकि वो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की शुरुआत कर सके, मगर तभी खोंशु उन्हें रोकने आ जाता है। खोंशु एमिट को कहता है कि मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। खोंशु को आजाद देख हीरो समझ जाता है कि कोई देवताओं के कक्ष में घुस आया है, इसीलिए अपने आदमियों से उस शख्स को ढूंढने को कहता है। वही हमें माँ को दिखाया जाता है जो सुकून के मैदान में पहुँच गया था। तवरेद उसे कहती है कि तुम्हारे दिल का बोझ हट गया है, इसीलिए तराजू डगमगा नहीं रहा।
और तुम्हारा सफर पूरा हो गया है और तुम यहाँ स्वर्ग में आ गए हो। मार्ग महसूस करता है कि उसे यहाँ बहुत सुकून महसूस हो रहा है, लेकिन उसे स्टीवन का ख्याल आता है, इसीलिए वो तवेरे से कहता है कि स्टीवन का क्या होगा। तो तवरेत कहती है कि वो अब नहीं रहा क्योंकि वो द्वार में जम गया, इसीलिए अब तुम यहाँ सुकून से रहो। लेकिन मार्ग स्टीवन के बिना नहीं रह सकता था क्योंकि स्टीवन ने उसकी हर बुरी घड़ी में उसका साथ दिया था, इसीलिए वो तवरेत को कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। जिस पर तवरेत उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम एक बार वापस द्वार में चले गए तो तुम सुकून के मैदान में वापस नहीं लौट पाओगे। मगर मार्ग किसी भी हाल में स्टीवन को बचाना चाहता था, इसीलिए वो वापस पीछे भागता है जिससे वो द्वार में पहुंच जाता है, जहां उसे ओसाइरिस के द्वार के पास स्टीवन की बॉडी नजर आ जाती है। वहीं पिरामिड में एमिट खोशो कहती है कि मैं बुराई का नामो निशान मिटाकर अपना फर्ज निभाऊंगी। तो खोशो से कहता है कि तुम्हारा अवतार पापी है और तुम कोई न्याय नहीं कर रही हो, बस तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हो जहाँ सिर्फ तुम्हारे भक्त रहेंगे, और वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। वही मार्ग स्टीवन की मूर्ति के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी जी पाया क्योंकि मैं अकेला नहीं था, हमेशा तुम मेरे साथ थे, मगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, जिससे वो काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वो भी रेत में जमने लगता है, मगर वो अपना दिल स्टीवन के हाथ में रखकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरी असली सुपर पावर हो और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तभी वो पूरी तरह से जम जाता है, लेकिन तभी ओसाइरिस का द्वार खुल जाता है जिससे रू वापस दुनिया में जा सकती थी, और स्टीवन और मार्ग भी वापस ठीक हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। मगर तभी वहाँ द्वार में रेत का तूफान आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ तवरेत आ जाती है जिसे ओसाइरिस ने उसे यहाँ उनकी मदद करने भेजा था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह हीरो को लेकर गलत थे और इसीलिए उसने वो दरवाजे खोले थे। मार्ग और स्टीवन द्वार की तरफ बढ़ते हैं जिससे वो वापस अपने जिस्म में पहुंच जाते हैं। वही एमिट खोशो को मारने लगती है क्योंकि वो बिना अपने अवतार के कमजोर था। तभी खोशो को मार्ग की आत्मा महसूस हो जाती है, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है। वही मार्ग मून नाइट के सूट में आ जाता है जिससे उसकी बॉडी में मौजूद बुलेट भी निकल जाती है। फिर वो मकबरे से बाहर आता है जहाँ खोशो भी मौजूद था। खोशो मार्ग को बताता है कि एमिट आजाद हो चुकी है और मैं उसे नहीं रोक पाया क्योंकि उसे रोकने की मेरे अंदर ताकत नहीं थी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मगर तभी स्टीवन जिस्म ले लेता है और वो खोशो से कहता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन काम पूरा होने के बाद तुम्हें हमें आजाद करना होगा। स्टीवन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि लायला ने उसका अवतार बनने से मना कर दिया होगा। खोशो से कहता है कि हमारे पास सौदेबाजी का वक्त नहीं है क्योंकि एमिट दुनिया के आधे लोगों को मार देगी। जिस पर स्टीवन कहता है कि यह सब हमने आपसे ही तो सीखा है। तो खोशो को कोई रास्ता नजर नहीं आता और स्टीवन को वचन देता है कि मैं काम पूरा होने के बाद तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। तो स्टीवन इससे खुश होता है। फिर खोशो अपनी पावर से दिन को रात में तब्दील कर देता है और मार्ग उड़कर वहाँ से कायरो की तरफ निकल जाता है। वही ओसाइरिस के अवतार की हालत काफी खराब होती है तो लायला उसे सहारा देती है और उसे पूछती है कि हम एमिट को कैसे रोक सकते हैं। तो सेलिम उसे बताता है कि देवताओं के इस कक्ष में बहुत शक्ति है, इसीलिए हमें एमिट को मूर्ति की बजाय उसके अवतार के शरीर में कैद करना होगा क्योंकि मूर्ति से ज्यादा शरीर को मिटाना आसान होता है, लेकिन इस प्रोसेस को सिर्फ अवतार ही कर सकते हैं जो अब नहीं बचे। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। तभी लायला को तवरेत के बारे में याद आता है कि उसकी अवतार बन सकती है, इसीलिए वो तवरेत को आवाज लगाती है जिससे तवरेत सेलिम की बॉडी में आ जाती है और वो लायला को अपना अवतार बना लेती है। लेकिन हीरो भी तवरेत की आवाज सुन लेता है, इसीलिए उस तरफ अटैक करता है ताकि वो लायला को मार सके, लेकिन लायला वहाँ से भागने लगती है। मगर उसकी बॉडी में तवरेत की आत्मा आती है और उसे बताती है कि हमें इस काम में बहुत मजा आएगा और तुम्हारे डेड भी इससे खुश होंगे क्योंकि मैंने ही उन्हें सुकून के मैदान में छोड़ा था। फिर वो लायला को कहती है कि मैंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम बनाया है, लेकिन तभी वहाँ उन पर पत्थर गिर जाते हैं। मगर लायला तवरेत के सूट की वजह से बच जाती है क्योंकि लायला का सूट बहुत स्पेशल था। हीरो पिरामिड के ऊपर चला जाता है और वो एमिट की पावर को एक्टिवेट करने लगता है जिससे एमिट के सभी भक्त हर एक इंसान को परखने लग जाते हैं और उन सभी लोगों को मारने लगते हैं जिन्होंने फ्यूचर में या फिर पास्ट में पाप किए थे, जिससे उनकी आत्मा एमिट में समाने लग जाती है जिससे उसका आकार बढ़ता जाता है। वही मार्ग भी कायरो की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कुछ ही देर में कायरो पहुंच जाता है जिससे मार्ग और हीरो में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी खोशो भी वहाँ आ जाता है जिससे खोशो और एमिट भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। मार्ग और हीरो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं जहाँ हीरो मार्ग को अपने स्टाफ की मदद से मारने लगता है, लेकिन तभी लायला वहाँ आकर उसे बचा लेती है। मार्ग लायला और उसके सूट को देखकर बहुत खुश होता है। तभी स्टीवन भी जिस्म ले लेता है जिससे वो भी लायला को देखकर बहुत खुश होता है।
होता है। फिर वो दोनों मिलकर उनसे लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मिस्टर नाइट यानी कि स्टीवन अब लड़ना सीख गया था और अपने ट्रंचियों से एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। और जिस वक्त पर स्टीवन कमजोर पड़ता उस वक्त मार्क जिसमें ले लेता है और लोगों को मारने लगता है, क्योंकि वो दोनों अब एक हो गए थे और वो एक दूसरे को बिना रिफ्लेक्शन के भी सुन पा रहे थे। लेकिन अभी भी हीरो मार्क और लायला पर भारी पड़ रहा होता है। वही एमिट और खोंशु लड़ रहे होते हैं, लेकिन खोंशु एमिट को नीचे गिरा देता है। तो एमिट उसे कहती है कि हम दोनों बुराई मिटाना चाहते हैं, बस हमारे तरीके अलग है, इसीलिए हमें लड़ने की बजाय एक हो जाना चाहिए। तो खोंशु उसे कहता है कि हमें बहुत फर्क है, क्योंकि मैं सिर्फ गुनाह करने वालों को सजा देता हूँ। जिस पर एमिट कहती है कि मैं गुनहगारों को गुनाह करने नहीं देती, और वो खोंशु को इन बातों में फंसाकर उसे नीचे गिरा देती है। वहीं लायला और मार्क मिलकर हीरो को पकड़ लेते हैं और उसे स्टाफ से अटैक करने नहीं देते, मगर हीरो अपनी जान बचाने के लिए वैन में बैठे मासूम लोगों पर अपनी पावर से अटैक करता है, जिससे लायला उन्हें बचाने जाती है और एक लड़की को बचा लेती है। वो लड़की लायला से कहती है कि तुम इजिप्शियन सुपर हीरो हो, जिससे वो खुश होती है। फिर लायला कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालती है, मगर तभी हीरो के लोग लायला पर हमला करने लगते हैं। वही हीरो भी अपनी पावर से मार्क पर अटैक करने लगता है। साथ ही उसे कहता है कि अगर तुमने एमिट की मर्जी चलने दी होती तो तुम्हारे भाई रेंडल की जान बच जाती, क्योंकि तुम कब के मर गए होते और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहता। और वो मार्क पर जोरदार अटैक करता है और लायला को कार पर फंसा देता है, जिससे मार्क इंजर्ट हो जाता है। वही एमिट भी खोंशु को इंजर्ट कर देती है और हीरो अपने स्टाफ से पूरी तरीके से मार्क को खत्म करने लगता है, जिससे एक पल तो ऐसा लगता है जैसे एमिट की जीत हुई। लेकिन तभी मार्क में मौजूद तीसरी शख्सियत जाग जाती है, जो हीरो के सभी लोगों को मार देती है, लेकिन वो हीरो को जिंदा छोड़ती है, मगर उसकी हालत काफी खराब थी। मार्क और स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। लायला मार्क से कहती है कि तुमने क्या किया, तो मार्क उसे कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तभी वो देखते हैं कि खोंशु काफी इंजर्ट हो चुका है और एमिट उसे पकड़ कर ले जा रही है। तो लायला मार्क को कहती है कि तुम हीरो को लेकर देवताओं के कक्ष में आओ, क्योंकि मैं एमिट को रोकने का तरीका जानती हूँ। फिर वो पिरामिड के अंदर देवताओं के कक्ष में पहुँचते हैं, जहाँ लायला मार्क को कहती है कि इस कमरे की शक्ति एमिट को हीरो से जोड़ देगी, जिससे एमिट हीरो के शरीर में चली जाएगी। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर मंत्र बोलने लग जाते हैं। वही एमिट खोंशु को मार रही होती है। वो खोंशु को कहती है कि हम इस दुनिया को हमारा स्वर्ग बना सकते थे, जिस पर खोंशु कहता है कि अब देर हो चुकी है और तुम्हारा अंत आ गया। तभी वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगती है और उसके अवतार हीरो की बॉडी में समा जाती है। खोंशु मार्क को हीरो को खत्म करने को कहता है, ताकि हीरो के साथ साथ एमिट भी खत्म हो जाए। तो मार्क भी उसकी बात मानकर उसे मारने लगता है, लेकिन लायला उसे ऐसा करने से मना करती। उसे कहती है कि तुम्हारे पास रास्ता चुनने की आजादी है। तो खोंशु ने कहते हैं कि तुम्हें इसे मारना ही होगा, क्योंकि हम एमिट के फिर से आजाद होने की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। लेकिन मार्क ऐसा नहीं करता और उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मर जाए तो तुम खुद ही इसे मार दो। फिर वो खोंशु को उसे मुक्त करने को कहता है, तो खोंशु भी उसकी बात मान लेता है और वो मार्क से अपनी सारी शख्सियत छीन लेता है, जिससे स्टीवन वापस अपनी ख्याली दुनिया में हीरो के पास पहुंच जाता है। जहाँ स्टीवन हीरो से पूछता है कि क्या खोंशु और एमिट सच में होते हैं, तो हीरो से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। मगर स्टीवन और मार्क देखते हैं कि हीरो के पैरों में खून लगा हुआ है, जिससे मार्क उसे कहता है कि तुम जितने समझदार लगते हो तुम उतने समझदार नहीं हो। और वो समझ जाता है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, इसीलिए वो हीरो को गुड बाय कहता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो अपने घर के बेड पर होता है। मार्क स्टीवन से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी जगह पर रहते थे। फिर वो आगे बढ़ता है, लेकिन पट्टे की वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें एक मेंटल हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ हीरो को रखा हुआ था। तभी माँ की तीसरी शख्सियत जेक हीरो को हॉस्पिटल से बाहर ले आता है, जहाँ के आदमियों को उसने पहले मार दिया था। और वो हीरो को बाहर लाकर अपनी रोल्स रॉयस कार में फेंक देता है, जहाँ खोंशु भी मौजूद होता है। हीरो खोंशु कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास अवतार का होना जरूरी है। तो खोंशु से बताता है कि माँ का मानना था कि अगर वो मेरा साथ छोड़ देगा तो मैं उसकी वाइफ लायला को अपना अवतार बना लूंगा, लेकिन मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक तीसरा अवतार है, जो माँ की तीसरी शख्सियत है। मगर माँ को लगता है कि वो बीमार है, इसीलिए वो किसी भी जगह पर पहुँच जाता है और उसे कुछ याद नहीं होता। फिर वो हीरो को माँ की तीसरी शख्सियत जेक लोकली से मिलवाता है, जो हीरो को जान से मार देता है। फिर वो हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट 10K रखा है और हमें उम्मीद है कि आप ये टारगेट जरूर पूरा करेंगे।
और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।